Dear viewers, you are warmly welcome in this lecture. Kindly subscribe this channel and also press the bell icon below so that you could be notified about any new video from Biology Guardian. Thank you. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Hello, dear students, welcome to lecture number one of Biology Preparation for PMC National MD CAT 2021. And today, we are going to discuss the structure and functions of cell wall and plasma membrane from unit number one that is, cell structure and function. So, let's begin the lecture. Assalamu alaikum everyone. आई होप यू विल बी फाइन वेलकम इन दिस नेशनल एम डी कैट बायोलॉजी प्रिपरेशन सीरीज आप इससे पहले बाकी सब्जेक्ट्स ले चुके हैं तो मेरे साथ आपने बायोलॉजी के बारे में डिस्कस करना है तो थोड़ा सा हम खास तौर पर जो एम डी कैट है उसके हवाले से थोड़ी सी बात कर लेते हैं उसके बाद फिर आगे हम फर्दर स्पेसिफिकली किस तरह से हमने प्रिपरेशन करनी है उसके बारे में आपको बताएंगे लास्ट ईयर से बच्चों आपको इल्म होगा और अगर जिन बच्चों को नहीं मालूम तो वो भी जान लें कि लास्ट ईयर से पाकिस्तान मेडिकल कमीशन जो कि एक्चुअली पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल का एक नया नेम है पाकिस्तान मेडिकल एंड डेंटल काउंसिल जो कि तमाम मेडिकल कॉलेजेस को रेगुलेट करने वाली एक बॉडी थी गवर्नमेंट की उसको लास्ट ईयर डिजोल्व कर दिया गया था और उसकी जगह पर एक और न्यू रेगुलेटरी बॉडी कायम की गई थी पाकिस्तान मेडिकल कमीशन और इस वक्त अब पूरे पाकिस्तान में जितने भी प्राइवेट और गवर्नमेंट सेक्टर के मेडिकल कॉलेज हैं उन सब को रेगुलेट करना ये पाकिस्तान मेडिकल कमीशन का काम है और लास्ट ईयर इन्होंने आते ही एक और जो मेजर एक्टिविटी परफॉर्म की वो ये थी कि इससे पहले हर एक प्रोविंस के अंदर अपने अपने एमडी कैट हुआ करते थे मेडिकल कॉलेज के लिए एडमिशन टेस्ट हर प्रोविंस अपने तौर पर लेता था और इसके अलावा नम्स का टेस्ट अलग हुआ करता था लेकिन पहली बार लास्ट ईयर पूरे पाकिस्तान में तमाम प्राइवेट और गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के लिए सेम टेस्ट कंडक्ट किया गया है और इस सेम टेस्ट को नेशनल एम डी कैट का नाम दिया गया तो ये लास्ट ईयर फर्स्ट टाइम ये टेस्ट जो नेशनल लेवल के ऊपर एक कॉमन टेस्ट था फॉर ऑल एफ एस सी एंड ए लेवल स्टूडेंट्स ये लास्ट ईयर कंडक्ट हो चुका है और इस साल भी इसी तरह से ये नेशनल एमडी कैट ही परफॉर्म होना है तो हमने जो लास्ट ईयर का सिलेबस था उसी को सामने रखते हुए आगे अभी फर्दर प्रिपरेशन करनी है इस साल का जो अभी सिलेबस है होपफुली वो वही सिलेबस होगा जो लास्ट ईयर इन लोगों ने दिया था तो उसी को ये दोबारा से लॉन्च करेंगे या फिर अगर इसमें कोई चेंजिंग की तो बहुत माइनर सी चेंजिंग होगी तो वो माइनर सी चेंजिंग आप शायद देख सकें लेकिन वो अभी टेस्ट के करीब जाकर ये अपना सिलेबस लॉन्च करते होते हैं तो हमारे पास चलें आ, अच्छा मौका ये है कि हमारे पास लास्ट ईयर का सिलेबस मौजूद है और हम उसको सामने रखते हुए प्रिपरेशन कर सकते हैं और अगर कोई माइनर सा चेंज आया भी तो उसको फिर हम जैसी वो चेंज हमें पता चलेगा तो हम उसके मुताबिक उसको फिर चेंज कर लेंगे तो ये बायोलॉजी प्रिपरेशन का जो आ, पोर्शन है ये तकरीबन कोई आई होप के 50 लेक्चर्स में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा और ये 50 लेक्चर्स का सिलेबस बेसिकली जो लास्ट ईयर 2020 में ये सिलेबस लॉन्च हुआ था उसी को यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ देखिए इस सिलेबस में ये जो टेस्ट है नेशनल एम डी टेस्ट इसका कुछ स्ट्रक्चर इस तरह से है कि टोटल 200 क्वेश्चंस पर ये कंसिस्ट करता है टेस्ट और इसमें सबसे ज्यादा वेटेज बायोलॉजी की है और बायोलॉजी कंपैरेटिवली अदर सब्जेक्ट्स ये आपके लिए इजी भी होगा इसकी वेटेज भी आप देख रहे हैं सबसे ज्यादा फोर्टी परसेंट ऑफ द एमसीक्यूज ऑफ द टेस्ट विल कंसिस्ट ऑफ बायोलॉजी और इसमें देखिए कि टोटल टू हंड्रेड क्वेश्चन है तो, टो टो तो उसमें एटी क्वेश्चन बायोलॉजी से होंगे उसके बाद फिर सेकेंड नंबर पर केमिस्ट्री की वेटेज है सिक्सटी क्वेश्चन यहां से फिजिक्स की फिर फोर्टी क्वेश्चन और फिर इंग्लिश ट्वेंटी क्वेश्चन इससे आप ये हरगेज मतलब ना लीजिएगा कि शायद बायोलॉजी बहुत ज्यादा अहम है और केमिस्ट्री उससे कम अहम है या फिजिक्स उससे कम अहम है और फिर इसी तरह से इंग्लिश कम इंपॉर्टेंट है ऐसा हरगेज नहीं है एक्चुअली देखिए ये एम डी कैट में आप देखेंगे कि एक एक मार्क की बहुत इंपॉर्टेंस है ये 200 हंड्रेड एमसी क्यूज टू मार्क्स कैरी करते हैं और इसमें आप को कम अज कम 180 एटी प्लस स्कोर करना है तो वो क्वेश्चन अगर आपका इंग्लिश से अगर मिस हो गया या फिजिक्स से मिस हो गया तो जाहिर है कि आपका लॉस बहुत ज्यादा होगा तो इस वजह से इंपॉर्टेंस किसी भी सब्जेक्ट की कम नहीं है यहां पर बेस्ट थिंग ये है कि बाकी सब्जेक्ट्स के मुकाबले में बायोलॉजी कंपैरेटिवली ही सी सब्जेक्ट होता है तो इस वजह से यहाँ पर क्वेश्चंस भी ज्यादा हैं तो आपके पास यहाँ पर मार्जिन ज़्यादा है आप ज़्यादा मार्क्स यहाँ से गेन कर सकते हैं थोड़ी सी अगर आप यहाँ पर एफर्ट कर लें तो आप ज़्यादा मार्क्स यहाँ पर गेन कर पाएंगे और इसी तरह से मैं आपसे कहूंगा कि आपने बाकी सब्जेक्ट्स को भी उसी तरह से इंपॉर्टेंस देनी है और उनमें भी आपने पूरी कोशिश करनी है कि हंड्रेड परसेंट स्कोर कर सकें अच्छा इसमें देखिए यहाँ पर इन्होंने टेस्ट के अंदर डिफिकल्टी इंडेक्स भी रखा हुआ है कि थर्टी परसेंट क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे और इसके अलावा फिफ्टी क्वेश्चन फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन मॉडरेट डिफिकल्टी इंडेक्स के होंगे और हार्ड क्वेश्चन ये ट्वेंटी यानी इवन ये जो मॉडरेट डिफिकल्टी इंडेक्स वाले क्वेश्चन हैं ये भी काफ़ी ईजी क्वेश्चन होते हैं यानी यूँ समझ लें कि एट्टी परसेंट आपका टेस्ट बहुत आसान होगा सिर्फ ट्वेंटी परसेंट टेस्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है आमतौर पर 80 परसेंट क्वेश्चन टेस्ट के अंदर ऐसे होते हैं ना सिर्फ ये टेस्ट या बल्कि कोई भी आप दूसरा टेस्ट भी उठा के देख लें तो 80 परसेंट क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो बहुत आसान होते हैं लेकिन आमतौर पर चूंकि उस वक्त टाइम का एक बहुत ज्यादा एक आँग... तलवार लटक रही होती है कि टाइम तेजी से कम होता जा रहा होता है या फिर समटाइम ऐसा होता है कि आप शुरू में कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन में अरेस्ट हो जाते हैं तो उसके बाद फिर आप टाइम काफी सारा उसके अंदर वेस्ट कर जाते हैं और फिर इजी क्वेश्चन की तरफ टर्न करते हैं तो उससे क्या होता है कि आपका टाइम मैनेजमेंट सारी डिस्टर्ब हो जाती है तो मेन चीज यहाँ पर टाइम मैनेजमेंट है आपने यहाँ पर बेटे अभी प्रैक्टिस करते हुए जो एमसीक्यूज आपको दिए जाएंगे उनको सॉल्व करते हुए आपने टाइम का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है कि आप टाइम को सही तरह से यूटिलाइज करें और जो आपको क्वेश्चन दिए गए हैं वो विद इन टाइम आप कंप्लीट करें तो आप यकीन करें कि अगर आप टाइम को मैनेज करना सीख गए तो इनशाला फिर आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकेंगे और अगर ये टाइम मैनेजमेंट फेल होती है तो ऐसी सूरत में आप अपना स्कोर लूज कर सकते हैं तो ये जो हम यहाँ पर प्रिपरेशन करवाते हैं उसके अंदर आगे जितने भी प्रैक्टिस टेस्ट आपसे करवाए जाएंगे उसमें मेन चीज़ यही होती है कि आपको डिफरेंट डिफिकल्टी इंडेक्स वाले क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें बार बार आपसे जब वो टेस्ट परफॉर्म किए जाएंगे तो उसमें मकसद यही होगा कि आपकी टाइम मैनेजमेंट स्किल डेवलप हो सके और आप उसमें कोई क्वेश्चन लूज ना कर सकें तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर स्ट्रेटजी होती है कि आप पहले ईजी क्वेश्चन करें जो डिफ़िकल्ट क्वेश्चन हैं उनको स्किप करते जाएँ देखिए यहाँ पर जैसे ये तीन कैटेगरीज के क्वेश्चन पॉइंट आउट किए हुए हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि फर्स्ट थर्टी परसेंट क्वेश्चन ईजी होंगे और उसके बाद नेक्स्ट फिफ्टी परसेंट क्वेश्चन मॉडरेट होंगे ऐसा नहीं है बल्कि ये क्वेश्चन रेंडमली अरेंज्ड होते हैं और फिर देखिए कि हर एक बच्चे के पास जो क्वेश्चन का सीक्वेंस है वो भी वेरी कर रहा होता है तो इस वजह से पहला क्वेश्चन किसी एक के पास अगर डिफिकल्ट है तो दूसरे स्टूडेंट के पास जो पहला क्वेश्चन आएगा उसके टेस्ट के अंदर हो सकता है वो बहुत इजी हो तो ये आपने ख़ुद वहां पर एनालाइज़ करना है कि कौन सा क्वेश्चन ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और कौन सा कम डिफ़िकल्ट है या कौन सा बहुत ही इजी क्वेश्चन है तो आपने कोशिश करनी है कि जो इजी क्वेश्चन हैं उनको पहले सॉल्व करें और उसके बाद फिर जो मुश्किल क्वेश्चन हैं उनको स्किप कर दे और मुश्किल क्वेश्चन को आप फिर एंड पर जब सॉल्व करेंगे तो इस तरह से आप टाइम को काफ़ी हद तक मैनेज कर लेंगे अच्छा यहाँ पर एक और चीज़ भी इन्होंने अपने सिलेबस के अंदर लास्ट टाइम लास्ट टाइम पॉइंट आउट की थी कि इसमें देखिए कि 70 परसेंट क्वेश्चन रिकॉल पर मुश्तमिल होंगे रिकॉल से मतलब है कि वो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे यानी आपने चीजों को रटना है बहुत सारी वैल्यूज अभी आप देखेंगे बहुत सारे पॉइंट्स आप देखेंगे जिनको आपने एज इट इज याद रखना होगा मेमोराइज करना होगा रटा मारना होगा क्योंकि वो एज इट इज़ वो इंफॉर्मेशन आपसे रिकॉल करवाई जाएगी तो ज्यादातर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि इन्होंने खुद पॉइंट आउट किया अपने सिलेबस के अंदर ये रिकॉल पर कंसर्स करते होंगे यानी नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे और ओनली थर्टी परसेंट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन होंगे इसमें ऐसा हो सकता है कि ये जो थर्टी परसेंट क्वेश्चन है ये थोड़ा सा सिलेबस से हटके भी हो सकता है यानी जैसे कोई नोमेरिकल होते हैं तो उसमें वैल्यूज़ जो बुक के अंदर यूज हुई है वो वैल्यूज़ ना हो कोई दूसरी वैल्यूज आ जाएँ या फिर इसी तरह से जो कॉन्सेप्ट आप बुक के अंदर पढ़ चुके हैं उस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कोई वैसे क्वेश्चन जो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड क्वेश्चन हो तो इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है तो इस तरह थर्टी परसेंट क्वेश्चन अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होंगे और सेवनटी परसेंट क्वेश्चन नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन होंगे अच्छा ये तो ओवरऑल आपको मैंने बताया कि जो नेशनल कैट है उसका स्ट्रक्चर क्या है और उसका डिफिकल्टी इंडेक्स कैसा था उसके बाद अब आप देखिए हम आते हैं अपने बायोलॉजी सब्जेक्ट की तरफ क्योंकि मेरा ताल्लुक आपके साथ बायोलॉजी के हवाले से रहेगा तो बायोलॉजी का जो सिलेबस है यहाँ पर इन्होंने पॉइंट आउट किया अपने कैट सिलेबस के अंदर उसमें आप देखें कि टोटल कोई एटीन यूनिट्स में पूरे बायोलॉजी कोर्स को डिवाइड किया हुआ है एटीन यूनिट्स तो ये जो 18 यूनिट्स हैं ये एक्चुअली एफ में पढ़ाए जाने वाले ये चैप्टर्स हैं जिनको इन्होंने कुछ को कंबाइन कर दिया और कुछ एज इट इज रखे हुए हैं और इनमें से मेजॉरिटी कंटेंट्स ऐसे हैं जो कि आप ए लेवल्स के अंदर भी पढ़ चुके हैं ठीक है तो यहाँ पर कोई बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होनी चाहिए आपको बस थोड़ा सा वो चूंकि बुक डिफरेंट है आपने ए लेवल के अंदर मोस्टली वो मैरियन जॉन्स की बुक पढ़ी होती है या फिर कुछ और दूसरे ऑथर्स की बुक्स आप फॉलो कर रहे होते हैं लेकिन यहाँ पर एफ के अंदर जो बुक्स पढ़ाई जा रही हैं उसमें भी स्पेशली जो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स हैं उनसे ये कोर्स कंटेंट उठाया हुआ है और लास्ट ईयर का हमारा एक्सपीरियंस यही है कि जो लास्ट ईयर टेस्ट हुआ था उसमें वो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से ही ज़्यादातर कंटेंट आया था तो इस वजह से हमने ख़ास तौर पर वो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक्स को फॉलो करते हुए इन सारे कंटेंट्स को प्रिपेयर करना है बाकी सब्जेक्ट्स के हवाले से मुझे नहीं मालूम कि वहां पर किस तरह से लास्ट ईयर क्वेश्चंस आए थे क्या नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से आए थे या पंजाब की बुक से आए थे आई डोंट नो लेकिन बायोलॉजी में जो हमारा ऑब्जर्वेशन थी वो यही थी कि बायोलॉजी के पोर्शन में जितने भी क्वेश्चंस आए थे वो नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक से थे और नेशनल बुक फाउंडेशन की ये जो दो बुक्स हैं एक फर्स्ट ईयर के लिए ग्रेड एलेवन के लिए ये उसका टाइटल पेज आप देख रहे हैं और इसके अलावा एक ग्रेड ट्वेल्व के लिए नेशनल बुक फाउंडेशन की बुक है तो ये दो बुक्स हैं जिनको आपने मेनली फॉलो करना है और इन दोनों बुक्स में इतफाक से ये जो आपसे मुखातिब है यानी ऑथर्स की लिस्ट में मैं भी शामिल हूँ इसके अंदर इन दोनों बुक्स के अंदर तो इनशाला आप लोग ज़्यादा अच्छा फायदा उठा सकेंगे यहाँ पर मुझसे प्रिपरेशन करते हुए पहला जो यूनिट है वो है सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तो यहाँ से हम आगाज करते हैं अपने आज ये बायोलॉजी प्रिपरेशन का तो फर्स्ट यूनिट का आज फर्स्ट लेक्चर है और इस फर्स्ट लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को कवर करना है आज के लेक्चर के जो हमारे लर्निंग ऑब्जेक्टिव होंगे उनमें हम यू सेल वॉल उसका स्ट्रक्चर एंड फंक्शन और इसकी कंपोजिशन को डिस्कस करेंगे इसके साथ साथ प्लाज्मा मेम्ब्रेन दैट इज आल्सो नोन एज सेल मेम्ब्रेन उसका भी स्ट्रक्चर एंड फंक्शन डिस्कस किया जाएगा अच्छा इसके अलावा देखिए आज के लेक्चर में हमने जिन चीज़ों को कवर करना है उनमें फंक्शन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी शामिल है तो बाकायदा गाज करते हैं कंपेरिजन ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल अगर आप एनिमल और प्लांट सेल को कंपेयर करें और ये कंपेरिजन आप अपने ए लेवल्स के अंदर भी अच्छी तरह से देख चुके हैं प्लांट और एनिमल सेल में बहुत सारी चीजें कॉमन है लेकिन कुछ कुछ पॉइंट ऑफ व्यू से प्लांट और एनिमल सेल एक दूसरे से डिफर करते हैं जैसे सबसे मेन जो डिफरेंस आपको प्लांट और एनिमल सेल में नजर आएगा वो सेल वॉल का है प्लांट सेल इज ऑक्यूपाइड बाय प्लांट सेल इज कवर्ड बाय सेल वॉल अनलाइक द एनिमल सेल आपको एनिमल सेल के अंदर इस तरह की कोई रिजिड बाउंड्री इन द फॉर्म ऑफ सेल वॉल नहीं मिलेगी तो एनिमल सेल इसी वजह से थोड़ा सा डेलीकेट होता है और प्लांट सेल इसके मुकाबले में थोड़ा सा हार्ड हो जाता है रिजिड हो जाता है इसके अलावा और भी पॉइंट्स आपको यहां पे नजर आएंगे प्लांट और एनिमल सेल में और ये पॉइंट्स हम ग्रेजुअली आगे कवर करते जाएंगे तो हम सबसे पहला जो पॉइंट था सेल वॉल के हवाले से उसको आगे फर्दर फोकस सेल वॉल विच इज बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल सेल वॉल इज द बाउंड्री ऑफ द प्लांट सेल ये प्रोटोप्लाज्म को आउटसाइड से कवर करने वाली एक रिजिड लेयर है सेल वॉल सिर्फ प्लांट सेल में ही नहीं मौजूद होती बल्कि सेल वॉल आपको प्लांट सेल के अलावा और भी बहुत सारे डिफरेंट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर भी मिलेगी जैसे प्लांट के अलावा अलगल सेल जो कि प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स का एक ग्रुप है इनके अंदर भी आपको सेल वॉल मिलती है इसी तरह से वाटर मोल्ड्स एंड स्लाइम मोल्ड्स दीज आर फंजाई लाइक प्रोटेस्ट जिस तरह से अलगल सेल्स एल ये प्लांट लाइक प्रोटेस्ट हैं सिमिलरली एक और ग्रुप है जिन्हें फंजाई लाइक कहा जाता है ये ऑर्गेनिजम्स के डिफरेंट ग्रुप्स हम अभी आगे आने वाले पढ़ेंगे so, -like इनके पास भी सेल वॉल मौजूद है ठीक है और इससे पहले मैंने जैसे ये प्लांट लाइक -like, एक तो ट्रू प्लांट्स होते हैं और दूसरे कुछ प्लांट लाइक ऑर्गेनिजम्स होते हैं प्लांट लाइक प्रोटेस्ट इन्हें कहा जाता है एक अलग किंगडम है ऑर्गेनिजम्स की जिन्हें प्रोटेस्टा कहते हैं और इस प्रोटेस्टा किंगडम से ये दोनों ग्रुप्स बिलोंग करते हैं तो इनके पास भी सेलवॉल मौजूद है इसी तरह से किंगडम फंजाई ये एक और सेपरेट किंगडम है इनके पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है और फिर इसके अलावा ये दो ग्रुप्स आपको प्रोकैरियोट्स के ग्रुप्स नजर आ रहे हैं तो इन प्रोकैरियोट्स के पास भी सेल वॉल प्रेजेंट है इससे पहले ये जितने भी मैंने आपको ग्रुप्स बताए ये सब यूकैरियोट्स हैं कि यहां से लेकर यहां तक ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली कहलाते हैं तो इन सब के पास वॉल मौजूद है बट द मेन कंपोजिशन ऑफ द वॉल इज डिफरेंट इन ऑल दीज ग्रुप्स और इसके हवाले से क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस वजह से आपको ये कंपोजिशन मेन कंपोजिशन आपको इनकी याद रखनी है हमने यहां पर ज्यादा डिटेल के साथ प्लांट सेल वॉल को डिस्कस करना है लेकिन जो मेन कंपोजिशन है वो इन तमाम ग्रुप्स की सेल वॉल की हमें पता होनी चाहिए जैसे आप देख रहे हैं कि प्लांट सेल वॉल इज मेनली कंपोज ऑफ सेलोज ना सिर्फ प्लांट सेल वॉल में बल्कि अलगल वॉल और ये वाटर मोल्ड स्लाइम मोल्ड में भी जो मेजर कॉन्स्टिटुएंट है वो सेल्लोज है लेकिन फंजाए फंगल सेल वॉल इज कंपोज ऑफ काइटिन और फिर इसी तरह से ये जो यू बैक्टीरिया है दे हैव

ज़रा गौर कीजिए कि ये जितने भी मैंने आपको कॉन्स्टिटुंट्स बताएं इनमें ज्यादातर कॉन्स्टिट्यूंट पॉलीसेक्राइड ग्रुप से बिलोंग करते हैं जैसे सेलोज ये पॉलीसेक्राइड है इवन काइटिन भी पॉलीसेक्राइड है और ये जो पेप्टिनोगकन है दिस इज ऑल्सो अ कंजुगेटेड पॉलीसेक्राइड और फिर आप देखिए कि यहाँ आपको आर्कियल सेल वॉल के अंदर भी पॉलीसेक्राइड्स मिल रहे हैं इसका मतलब है कि ज्यादातर ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ये पॉलीसेक्राइड्स की बनी हुई सेल वॉल कंटेन करते हैं उनमें आपको दूसरे भी है। अभी हम के अंदर, इन बायोमोलिक्यूल को भी डिटेल से पढ़ेंगे और इन बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपके सामने आने वाले हैं तो बीच में भी जहां जहां पर कुछ जरूरी पॉइंट्स हमारे सामने आएंगे उनको भी हम फोकस करते जाएंगे तो आपने ये याद रखना है कि

गया है ऑर्गेनिजम्स दैट पोजेस सेलवॉल हैलवॉल या पॉलीसेक्राइड इन देयर सेलवॉल या लिपिड इन देयर सेलवॉल कंजुगेटेड मॉलिक्यूल इन देर सेलवॉल या ऑल ऑफ दम तो इसमें देखो यहां पर वैसे तो आंसर आपको आ जाना चाहिए अभी हमने डिस्कस किया है इस पॉइंट को तो यहाँ पर आंसर बिल्कुल आपके सामने लग रहा है कि ये इन देयर सेल वॉल दिस इज राइट आंसर लेकिन एक और बात भी आप में रखिए कि अगर इस तरह से आपके माइंड में ये आंसर ना भी आ रहा होता तो इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने की एक ट्रिक ये है कि जब भी आपको क्वेश्चन के स्टेम के अंदर ये जो पार्ट है ये स्टेम कहलाता है किसी भी क्वेश्चन का तो क्वेश्चन के स्टेम में जब ये वर्ड मोस्ट यूज हो रहा हो मोस्ट ऑफ दर्गेनिजम या मोस्ट ऑफ तो मोस्ट वर्ड अगर यूज हो रहा है तो उसमें कभी भी ऑल ऑफ दैम या बोथ ऑफ देम वाला ऑप्शन कभी भी करेक्ट ऑप्शन नहीं होता तो आपने इस तरह से भी इसको याद रखना है कि यहाँ पर चूंकि मोस्ट वर्ड यूज हो रहा है तो ऑल ऑफ दैम या अगर इवन यहाँ पर नन ऑफ देम या फिर इस तरह का कोई बोथ ऑफ देम वाला ऑप्शन होता है तो उसको तो हम बिल्कुल सिरे से इग्नोर कर देते हैं तो लाजमी तौर पर इसके अलावा कोई और ऑप्शन होना था और अभी जैसे हमने डिस्कस किया कि ज्यादातर ऑर्गेनिजम्स की सेल्वॉल में जो कॉन्स्टिटेंट प्रेजेंट होते हैं दे एक्चुअली बिलोंग टू तो द ग्रुप तो ये इन देयर और पॉलीसेक्राइड ये आपको मालूम होना चाहिए कि ये कंपाउंड्स के किस ग्रुप से बिलोंग करते हैं सिंस पॉलीसेक्राइड बिलोंग टू तो द कार्बोहाइड्रेट ग्रुप ठीक है ये कार्बोहाइड्रेट की एक टाइप्स हैं तो इस वजह से यहां पर यह भी हो सकता है कि कार्बोहाइड्रेट्स इन देर सेल वॉल तो तब भी हम यहाँ पर करेक्ट मानते हैं उसको अगर ये पोलिसक्रेड की वजह से कार्बोहाइड्रेट वर्ड यूज हो रहा होता है तो उसको भी हम करेक्ट मानते हैं तो इस तरह से आपने ये रिलेटेड चीजें भी याद करते जाना है अच्छा उसके बाद आप आगे बढ़ते हैं तो एक और क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग मे बायोमोलिक्यूल्व इन द दम्पोजिशन ऑफ द सेल वॉल एक्सेप्ट ये भी अभी हमने डिस्कशन के दौरान ऑब्जर्व किया कि जितने भी ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स जिनके पास सेल वॉल प्रेजेंट थी तो उनमें जो केमिकल कॉन्स्टिटेंट प्रेजेंट थे तो उनमें आपने पॉलीसेक्राइड्स तो देखे बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स के पास पॉलीसेक्राइट प्रेजेंट थे इवन पॉलीपेप्टाइड्स यानी जैसे अभी आपने आर्किया ग्रुप देखा उसके अंदर प्रोटीन्स प्रेजेंट थी और इवन जो बैक्टीरिया थे उनके पास पेप्टिडोग्लाइकन वहां पर भी पॉलीपेप्टाइड्स प्रेजेंट थी इवन वैक्सीज आर ऑल्सो देयर ठीक है प्लांट सेल के अंदर प्लांट सेल वॉल के अंदर भी वैक्सीज प्रेजेंट होते हैं और कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल्स भी यहां पर हमें नजर आए थे लेकिन किसी भी आपको ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म के अंदर एक्चुअली पॉली नहीं मिले थे पॉली का मतलब के कॉन्स्टिट्यूंट नहीं होते ठीक है तो यहां पर देखिए करेक्ट आंसर क्या बना तो करेक्ट आंसर यहां पर यही पॉली न्यूक्लियोटाइड है मे इन कंपोजिशन ऑफ द वॉल एक्सेप्ट न्यूक्लियोटाइड बाकी कोई भी बायोमोलिक्यूल वॉल की कंपोजिशन में इन्वॉल्व हो सकता है लेकिन पॉली कभी किसी ऑर्गेनिज्म की सेल वॉल का, का नहीं रहे अच्छा उसके बाद फिर देखते हैं आगे हम प्लांट सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर हम डिस्कस करेंगे यहां पर हम ये जो स्ट्रक्चर डिस्कस हैं ये प्लांट सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर है सेल वॉल ऑफ द प्लांट सेल तो ये प्लांट सेल वॉल अगर हम इसका डिटेल स्ट्रक्चर ऑब्जर्व करें तो ये इस वक्त आपको टिश्यू में प्लांट सेल्स एम्बेडेड दिखाई दे रहे हैं और यहाँ से हम इस पार्ट को थोड़ा सा मैग्नीफाई करके यहाँ पे शो कर रहे हैं ताकि हमें सेल वॉल का डिटेल स्ट्रक्चर दिखाई दे सके तो यहाँ पर अगर आप गौर कीजिए प्लांट सेल वॉल कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स उसमें आपको ये ब्लैक कलर में सेंटर के अंदर एक लाइन नज़र आ रही है विच इज़ नोन एज मिडिल एमिला और उसकी दोनों साइड के ऊपर आपको ये रेड कलर में प्राइमरी सेल वॉल दिखाई गई और येलो कलर में सेकेंडरी सेल वॉल तो एक टिपिकल प्लांट सेल वॉल मेनली कंसिस्ट ऑफ थ्री लेयर्स जैसे आप यहां से इस स्केच को देख रहे हैं इसको यहां से मैग्नीफाई करके दिखाया तो इसमें मिडल अमिला प्राइमरी सेल वॉल और सेकेंडरी सेल वॉल ये थ्री लेयर्स इस साइड के सेल की हैं और इसी तरह से ये मिडल अमिला प्राइमरी वॉल और फिर ये सेकेंडरी वॉल ये इस साइड के सेल की ये तीनों लेयर्स हैं

वो एक टिश्यू के अंदर इंपेडेड है तो ऐसे सेल को एक इंटेक्ट सेल कहा जाएगा और ऐसे एक इंटेक्ट सेल के अंदर जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो मिडल एम होगी लेकिन अगर यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि विच वन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ एन आइसोलेटेड प्लांट सेल तो आइसोलेटेड प्लांट सेल की जो आउटर मोस्ट लेयर होगी वो कौन सी होगी आइसोलेटेड सेल का मतलब ये होगा कि एक ऐसा सेल जो टिश्यू से आइसोलेट कर लिया हुआ है और जब भी हम प्लांट सेल्स को टिश्यू से आइसोलेट करते हैं तो टिश्यूज से आइसोलेट करने के लिए एक टेक्निक हम परफॉर्म करते आइसोलेट प्लांट सेल्स फ्रॉम ईच अदर तो इस सेल फ्रैक्शनेशन से जब आप प्लांट सेल्स को एक दूसरे से सेपरेट करेंगे तो एक्चुअली ड्यूरिंग दिस टेक्निक मिडिल एमेला हैज बीन डिसॉल्व और जब मिडिल एमेला डिसॉल्व हो जाएगा और प्लांट सेल्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाएंगे तो ऐसी सूरत में जो आउटर मोस्ट लेयर होगी किसी भी प्लांट सेल की वो फिर प्राइमरी वॉल होगी वो फिर मिडिल एमेला नहीं होगी तो आपने ये याद रखना है कि इंटेक्ट सेल के हवाले से आउटर मोस्ट लेयर पूछी जा रही है तो मिडिल एमेला और अगर किसी आइसोलेटेड प्लांट सेल की आउटर मोस्ट लेयर प्लांट सेल वॉल की आउटर मोस्ट लेयर पूछी जा रही है तो वो आपने प्राइमरी वॉल पॉइंट आउट करनी है और अगर ये स्पेसिफाई ना किया हो किसी क्वेश्चन के अंदर कि सेल इंटेक्ट है या आइसोलेटेड है तो ऐसी सूरत में आपने उसको इंटेक्ट सेल ही कंसिडर करना है ठीक है यानी अगर बात जनरल हो रही है तो आपने अज्यूम करना है कि वो सेल एक टिश्यू के अंदर इंबाइडेड है और इस तरह से उसकी आउटर मोस्ट लेयर पूछी जा रही है तो फिर आपने मिडल एमला को ही आउटर मोस्ट कंसिडर करना है अदरवाइज अगर आपसे वो प्राइमरी सेल वॉल वाला ऑप्शन पूछना चाह रहा है तो उसने जरूर पॉइंट आउट करना है कि विच वन इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्लांट सेल वॉल ऑफ एन आइसोलेटेड प्लांट सेल तो फिर ये आंसर प्राइमरी सेल वॉल बनेगा ठीक है तो ये जरा जहन में रहे अच्छा उसके बाद आप देखिए कि सीक्वेंस के ऊपर भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ये मिडल अमिला प्राइमरी वॉल और फिर सेकेंडरी वॉल यानी अगर कोई भी चीज सेल के अंदर दाखिल हो रही है तो सेल वॉल की लेयर्स में किस सीक्वेंस से से वो चीज चीज पास करेगी यानी कोई चीज अगर बाहर अंदर आ रही है तो ऑब्वियसली पहले मिडिल वॉल से और फिर सेकेंडरी वॉल से उसको क्रॉस करना है तो ये सीक्वेंस बनेगा और कोई चीज अगर, अगर अंदर से बाहर की तरफ आ रही है तो फिर क्या सीक्वेंस फॉलो होगा तो तब भी आपने ये पॉइंट्स याद रखने हैं अच्छा इसके अलावा अभी आप देखेंगे कि ये जैसे अभी मैंने आपको बताया कि एक आइसोलेटेड प्लांट सेल जिसको हम सेल फ्रैक्शनेशन के जरिए सेपरेट कर लेते हैं बाकी सेल से तो उसमें मिडिल लेमेलर डिजोल्व हो चुका होता है उसमें सिर्फ प्राइमरी वॉल और सेकेंडरी वॉल मिलेगी आपको बिल्कुल इसी तरह से आप देखिए कि ये जो बकाया सेल वॉल्स हैं यानी बकाया लेयर्स हैं ये भी तमाम सेल्स के पास यूनिफॉर्मली प्रेजेंट नहीं है स्पेशली आपने याद रखना है कि ये जो सेकेंडरी वॉल है सेकेंडरी वॉल

तो दिस सेकेंडरी वॉल इज ओनली फाउंड इन द सेल या इसको आप यू अंडरस्टैंड कर लें कि वेन सेकेंडरी वॉल हैज़ बिन डेवलप्ड इन द प्लांट सेल द सेल बिकम डाय ठीक है सेल फिर लाइव नहीं रहता क्योंकि सेकेंडरी वॉल इज वेरी मच रिजर्ड बहुत हार्ड है और इसकी वजह से फिर उसके अंदर जो प्रोटोप्लाज्म उसकी डेथ हो जाती है तो ये सिर्फ आपको स्लेरन सेल्स में मिले हैं जबकि प्राइमरी वॉल सिर्फ ऐसी वॉल है जो तमाम प्लांट सेल के पास आपको जरूर मिलती है ऑल प्लांट सेल्स मस्ट हैव प्राइमरी सेल वॉल अगर आपसे यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि लेयर ऑफ द प्लांट सेल वॉल मस्ट बी प्रेजेंट इन अ प्लांट सेल मस्ट बी प्रेजेंट तो वो कौन सी सेल वॉल कौन सी लेयर है वो प्राइमरी लेयर होगी प्राइमरी सेल वॉल होगी जो कि लाजमी तौर पर किसी प्लांट सेल वॉल में प्रेजेंट होगी अच्छा कुछ प्लांट सेल उनको भी हमने खुद से ट्रीट किया हुआ होता है और उनकी सेल वॉल टोटली रिमूव कर दी जाती है तो सेल वॉल के बगैर भी सेल सर्वाइव कर सकते हैं तो ऐसा सेल जिसकी सेल वॉल टोटली रिमूव कर दी जाए कुछ ऐसी केमिकल टेक्निक्स होती हैं जिससे हम किसी प्लांट सेल की सेल वॉल को कंप्लीटली रिमूव कर देते हैं एंड सच अ सेल विदाउट एट सेल वॉल इज कॉल्ड प्रोटोप्लास्ट उसे प्रोटो प्लास्ट कहा जाएगा तो प्रोटोप्लास्ट टर्म भी आपने याद रखना है कि दिस इज अ प्लांट सेल प्लांट सेल विदाउट wall. हाँ जी बेटा तो प्रोटोप्लास्ट क्या चीज है प्लांट सेल तो ये प्रोटोप्लास्ट टर्म भी आपको याद होनी चाहिए अच्छा उसके बाद आगे बढ़ते हैं हम यहां पर देखिए क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ सेल वॉल ऑफ एन इंटेक्ट प्लांट सेल देखो यहां पर जैसे मैंने आपसे अभी शेयर किया था

अच्छा मिडिल एमेला की फर्दर अगर हम कंपोजिशन देखें तो मिडिल एमेला बेसिकली ये स्टिकी जेल लाइक मटेरियल होता है और ये किसम है, which, uh, together, एक किस्म का सीमेंटिंग सब्सटेंस है विच होल्ड्स द सेल्स टुगेदर ठीक है इससे सेल्स एक दूसरे के साथ अटैच्ड होते हैं इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ मैग्नीशियम एंड कैल्शियम साल्ट जिनको पैक्टिक एसिड्स भी कहा जाता है ठीक है ये कैल्शियम और मैग्नीशियम के साल्ट्स विच आर आल्सो कॉल्ड पैक्टिक एसिड्स और इसके अलावा इसमें पैक्टेन पैक्टेन इज द मेन कंपोनेंट विच इज फाउंड इन द दिडल ठीक है ये जो हैं ये कम क्वांटिटी में मेन क्वांटिटी पर पैक्टिन की है एंड पैक्टेन इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड ये भी एक किस्म का पॉलीसेक्राइड मटेरियल है आप जितने मॉलिक्यूल्स अभी देखते जाएंगे उनकी केमिकल नेचर भी आपको क्लियर होनी चाहिए वैसे हम अभी नेक्स्ट चैप्टर में बायो मॉलिक्यूल्स को डिटेल से पढ़ेंगे लेकिन साथ साथ यहाँ पर भी जो मॉलिक्यूल्स हमारे सामने आते रहेंगे उनको भी हम साथ साथ टैकल करते जाएंगे अच्छा तो उसके बाद आप देखिए ये कंपोजिशन आपको याद होनी चाहिए जैसे भी आपको बताया था कि 70 परसेंट क्वेश्चन नॉलेज बेस होंगे रिकॉल पर मुश्तमिल होंगे तो ये चीजें जो बुक के अंदर इस तरह से यूज हो रही है इन्फॉर्मेशन में तो ये चीजें आपको रिकॉल करनी होंगी अच्छा एक और बात मैं यहाँ पर आपको पॉइंट आउट करता जाऊँ आप जब बुक को रीड करेंगे तो बुक के अंदर कुछ बॉक्सेस के अंदर इन्फॉर्मेशन होगी छोटे छोटे टिडबेड्स और इस तरह की कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दी हुई होती है तो वो इन्फॉर्मेशन सिलेबस का पार्ट नहीं होती है वो जस्ट वैसे कॉन्सेप्ट को एनहांस करने के लिए वो साइड इन्फॉर्मेशन बॉक्सेस की शक्ल में आपको बुक के अंदर मिलेगी तो वो टेस्ट में नहीं पूछा जाता ना वैसे एग्जाम के अंदर और ना ही ये एंट्री टेस्ट के अंदर तो उसको आप इग्नोर करते जाएंगे आपने जो मेन टेक्स्ट है बुक का सिर्फ उसी को फॉलो करना है और ये जो चीज़ें अभी आपको पॉइंट आउट की जा रही हैं ये भी उसी टेक्स्ट में से वो चीज़ें हैं जो यहाँ पे दी गई हैं आपके सामने अच्छा भाई मिडल एमिला के बाद हम प्राइमरी वॉल की कंपोजिशन को देख लेते हैं प्राइमरी वॉल बेसिकली ये थिन और फ्लेक्सिबल लेयर है इसकी अगर आप फिजिकल नेचर देखें so layer, cellulose. तो दिस इज थिन एंड फ्लेक्सिबल लेयर एंड इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेलुलोज तो सेलुलोज की यहां पर जो अरेंजमेंट आप देख रहे हैं सेलुलोज की अरेंजमेंट किस तरह से है कि सेलुलोज ये बेसिकली तो ये पॉलीसेक्राइड मॉलिक्यूल्स हैं सेलुलोज इसमें आप देख रहे हैं कि दरमियान में ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड्स के जरिए बीटा ग्लूकोजेस एक दूसरे के साथ लिंक होकर एक लॉन्ग चेन बनाते हैं अनब्रांच चेन दिस इज कॉल्ड अभी हम नेक्स्ट चैप्टर के अंदर सेलुलोज का डिटेल स्ट्रक्चर भी पढ़ेंगे तो बहरहाल आप देखिये की ये एक सिंगल सेलुलोज चेन आपको नजर आ रही है और बहुत सारी इस तरह की चेन्स जो कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स के जरिए एक दूसरे के साथ लिंक हो जाती हैं और इन चेन्स के आपस में इस तरह से लिंक होने से

और इन माइक्रो फेब्रिल्स की फर्दर कम्बिनेशन से आप देख रहे हैं कि सेलुलोज फाइबर्स फॉर्म होते हैं और फिर ये जो सेलुलोज फाइबर्स हैं इनकी ये बंडल्स आप देख रहे हैं द बंडल्स ऑफ द द बंडल्स ऑफ फाइबर्स तो बंडल्स क्रॉस फाइबर

एक और शीट प्रेजेंट होगी तो इस तरह से एक दूसरे की परपेंडिकुलर डायरेक्शन के अंदर ये एक दूसरे के ऊपर होंगी जो मेन सेलुलोज वो अरेंज था लेकिन इसके साथ साथ यहां पर दो और कंपोनेंट्स भी प्रेजेंट होंगे हेमी सेलुलोज भी यहां पे मिलेगा और पैक्टन भी मिलेगा तो आपने नोट किया पैक्टेन आपको मिडिल एमिला में भी नजर आया था और प्राइमरी सेल वॉल में भी मिला सेलुलोज आपको यहां पर प्राइमरी वॉल में मिला है और अभी आप सेकेंडरी वॉल के अंदर भी सेलुलोज को देखेंगे तो इस तरह की इंफॉर्मेशन को याद रखते जाना है कि कौन सा मॉलिक्यूल किस लेयर में है और कौन से मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो दो डिफरेंट लेयर्स के अंदर यूनिफॉर्मली प्रेजेंट हैं उसके बाद आप देखिए कि ये जो सेकेंडरी वॉल है सेकेंडरी वॉल तो सेकेंडरी वॉल इसकी कम्पोजिशन में भी जो मेन कॉन्स्टिट्यूंट है अगेन सेलुलोज है इवन हैमी सेलोलोज विच इज ऑल्सो काइंड ऑफ पॉलीसेक्राइड यह भी यहां पर मौजूद है तो ये दोनों कंपोनेंट प्राइमरी सेल वॉल में भी आपने देखे थे और यहां सेकेंडरी सेल वॉल में भी आपको मिल रहे हैं लेकिन यहां पर जो एक चीज डिफरेंट आपको दिखाई दे रही है वो है लिगनिन लिगनिन इज मैक्रोमोलिक्यूल दिस इज नॉट अ पॉलीसेक्राइड ये एक माइक्रोमोलिक्यूल है एंड दिस माइक्रोमोलिक्यूल है ये भी पॉलीमल टाइप का माइक्रोमोलिक्यूल

सेकेंडरी सेल वॉल बिकम्स थी एंड रिजर्ड तो आपसे अगर पूछा जाए इस तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि विच कंपाउंड इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजनेस ऑफ द प्लांट वॉल. तो प्लांट वॉल की रिजननेस के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल कंपाउंड है वो एक्चुअली लिगनिन है ठीक है इसके अलावा यहाँ पर आपको इन ऑर्गेनिक साट्स भी मिलेंगे और ये कुछ वैक्सीस भी यहाँ पर प्रेजेंट होती हैं जैसे यहाँ पर एक खास किस्म की वैक्स आपको मिलेगी सब्बेरन अभी आगे आप किसी यूनिट के अंदर इस वैक्स का नाम पढ़ेंगे इट इज इज ऑफ वैक्स फाउंड इन द प्लांट सेल वॉल अच्छा तो यहां पर भी सेलोस फाइबर्स उसी तरह से क्रिस क्रॉस अरेंजमेंट के अंदर मौजूद होते हैं और जैसे अभी मैंने आपको पॉइंट आउट किया था कि लिगनेन ये एक खास पॉइंट है इसको आपने इसकी रिजर्डनेस के लिए रिस्पॉन्सिबल कंसिडर करना है तो ये पॉइंट आपने याद रखने यहां से अच्छा प्लांट सेल वॉल ये एक्चुअली पोरस होती है प्लांट सेल वॉल ये बिल्कुल स्मूथ नहीं है इट इज एक्चुअली पोरस एंड द पोर्स आर कॉल्ड पिट्स पिट्स क्या होते हैं इन पोर्स की प्रेजेंस की वजह से एवरीथिंग एवरीथिंग कैन पास फ्रीली अक्रॉस द प्लांट सेल वॉल क्योंकि ये पोर्स इतने बड़े हैं कि यहां से कोई भी चीज जो प्लांट के अंदर प्लांट सेल के अंदर या बाहर मूव करी होती है वो रुक नहीं पाती तो हर चीज यहां से बासानी गुजर जाती है इस वजह से प्लांट सेल वॉल को क्या कहना चाहिए प्लांट सेल वॉल को आप क्या डेजिग्नेट करेंगे इज इट परमीएबल वॉल इसको परमीएबल कहना चाहिए और इट इज सेमी परमीएबल या फिर इसके लिए सुटेबल टर्म इम है तो आपके ख्याल में यहां पर आंसर क्या होना चाहिए जी तो आपने आंसर दिए कि इट इज परमीएबल ठीक है तो सब लोग शोर हैं कि इट इज परमीएबल यस बिल्कुल चूंकि यहां से हर चीज मैंने अभी आप बताया कि गुजर सकती है इस वजह से दिस इज परमीएबल वॉल जो सेमी परमिएबल रखने वाली लेयर है वो एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन है जो कि स्केनर साइड पर प्रेजेंट होगी तो सेल वॉल कभी भी सेमी परमिएबल नहीं होती सेल वॉल इज़ ऑलवेज होतीबल फॉर एवरीथिंग अच्छा दो एडजेसेंट सेल वॉल दो एडजेसेंट सेल्स के दरमियान आपको सेल वॉल में से साइटोप्लाज्म की फॉर्म में एक ब्रिज बनता हुआ नजर आ रहा है विद द हेल्प ऑफ साइटोप्लाज्म टू एडजेसेंट सेल्स फॉर्म अ ब्रिज बिटवीन देम and such bridges are called plasmodesmata what are plasmodesmata these are cytoplasmic connections aap dekh le ye ye white color mein ye cytoplasmic connections hain which connect the cytoplasm of two adjacent cells so plasmodesmata and pits ye dono concepts ko bhi aapne yaad rakhna hai तो इस तरह से ये cell wall वाला part हमारा complete हो गया Cell wall की ये जो points मैंने आपको बताए थे इनको आप अच्छी तरह से अगर फोकस कर लें तो सेल वॉल से कोई भी क्वेश्चन अगर पूछा जाएगा तो इनशाला वो आप इजीली अटेम्प्ट कर सकेंगे वो इन डिस्कशन ये जितना भी हमने डिस्कशन किया है इस डिस्कशन से वो क्वेश्चन बाहर नहीं होगा इनशाला अब आते हैं हम सेल मेम्ब्रेन की तरफ सेल मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन मेनली चूंकि रिस्पॉन्सिबल होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ मटीरियल अक्रॉस द सेल तो इस तरह से हम ट्रांसपोर्ट वाला फंक्शन भी यहाँ पर डिस्कस करेंगे सेल मेम्ब्रेन ज ऑल्सो नोन एज प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी कंसिडर किया जाता है दिस प्लाज्मा मेम्ब्रेन इट द कवरिंग ऑफ द प्रोटोप्लाज्म सेल वॉल सेल वॉल जो है उसको थोड़ा सा क्लियर कर लें सेल वॉल इज नॉट द पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाजम सेल वॉल इज द लेयर प्रेजेंट आउटसाइड साइड द प्रोटोप्लाज्म उसको हम हमेशा ये कंसिडर करते हैं कि दिस इज द लेयर प्रेजेंट आउट द प्रोटोप्लाज्म बट

और तीसरा पार्ट इसका सेल मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन इज देअ फॉर द बाउंड्री ऑफ प्रोटोप्लाज्म या कवरिंग ऑफ प्रोटोप्लाज्म इसे आमतौर पर कंसीडर किया जाता है तो ये प्रोटोप्लाज्म का पार्ट है सेल वॉल इज नॉट द प्रोटो पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म और एक और बात ध्यान में रखें कि सेल मेम्ब्रेन चूंकि प्रोटोप्लाज्म का पार्ट इस वजह से ये लिविंग कंपोनेंट है लेकिन सेल वॉल चूंकि आउटसाइड द प्रोटोप्लाज्म है इस वजह से सेल वॉल इज कंसीडर्ड एज नॉन लिविंग कंपोनेंट ऑफ द सेल तो उसको नॉन लिविंग कंपोनेंट भी कंसीडर किया जाता है सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसकी कंपोजिशन की जहाँ तक बात है तो आप देखेंगे कि सेल uh, मेम्ब्रेन में 60 टू 80 परसेंट प्रोटीन मेन कंस्टिट्यूएंट प्रोटीन है इसका हालांकि सेल वॉल में मेनली कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट होते हैं इन द फॉर्म ऑफ पॉलीसेक्राइड्स जबकि यहाँ पर आपको मेनली प्रोटीन्स मिलेंगी और जबकि 20 टू 40 परसेंट पर लिपिड्स आपको मिल रहे हैं यानी मेनली अगर देखा जाए तो सेल मेम्ब्रेन को आप लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स कह सकते हैं लिपो प्रोटीन कॉम्प्लेक्स लिपिड्स और प्रोटीन का जो कॉम्प्लेक्स है उसे लिपो प्रोटीन कहते हैं तो सेल मेम्ब्रेन इज मेनली डिस्क्राइब्ड एज लिपोप्रोटीन कॉम्प्लेक्स लेकिन सेल मेम्ब्रेन में टू सम एक्सटेंट कार्बोहाइड्रेट्स भी प्रेजेंट होते हैं और ये कार्बोहाइड्रेट्स बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में प्रेजेंट हैं। दे आर प्रेजेंट इन फॉर्म ऑफ फ्रैक्शन बहुत ही कम क्वांटिटी में फ्रैक्शन में ये प्रेजेंट होंगे और जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स यहाँ पेटीन तो ये कंपोजिशन आपने याद रखनी है अच्छा इसके अलावा देखो जो लिपिड्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं दे बिलोंग टू डिफरेंट ग्रुप्स फॉसोलिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल तो इनमें अभी हम आपको फॉसोलिपेड और कोलेस्ट्रॉल का थोड़ा सा केमिकल नेचर और स्ट्रक्चर भी पॉइंट आउट करेंगे सेल मेम्ब्रेन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको समझना थोड़ा सा जरूरी है तो ये भी अभी हम डिस्कस करेंगे वैसे डिटेल स्ट्रक्चर हम बायोमोलिक्यूल्स वाले पोर्शन में जाकर अंडरस्टैंड करेंगे लेकिन यहाँ पर एक पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है अक्सर एम में ये पूछा जाता है और वो ये कि ये जो कोलेस्ट्रॉल इसके बारे में आपने याद रखना है कि दिस इज एपसेंट इन द प्रो केन प्रो कैरियाटिक सेल मेम्ब्रेन डज नॉट कंटेन कोलेस्ट्रॉल ये यू कैरियोटिक मेम्ब्रेन में, में कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होगा फॉसोलिपिड दोनों की सेल मेम्ब्रेन में, में प्रेजेंट है लेकिन प्रोक्रियोटिक मेम्ब्रेन लैक्स कोलेस्ट्रॉल तो इस तरह की जो डिफ्रेंशिएटिंग पॉइंट्स आपको प्रोकेरियोटिक और यू कैरियोटिक सेल के पॉइंट ऑफ व्यू से नजर आ रहे हैं उनको भी आप माइंड में प्रिजर्व करते जाए इस तरह के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं अच्छा फिर आप देखिए कि इसमें जो प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं उनमें ज्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्टर टाइप की प्रोटीन्स हैं एंड सम ऑफ देम आर टाइप ऑफ प्रोटीन्स ठीक है अगर अगरचे कुछ स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स भी होती हैं जो स्टेबलाइज करती हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अभी आपको दिखाते हैं लेकिन ज्यादातर जो प्रोटीन्स हैं वो ट्रांसपोर्टर और इन्जाइम टाइप की प्रोटीन्स होंगी इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट्स जैसा भी मैंने बताया था कि दे आर प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ कंजुगेटेड फॉर्म कार्बोहाइड्रेट्स या तो लिपिड्स के साथ कंजुगेट कर रहे होते हैं इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स या फिर ये प्रोटीन्स uh, के साथ कंबाइन करते हैं ग्लाइको प्रोटीन और ये ग्लाइको प्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स दे आर मेनली फाउंड इन द फॉर्म ऑफ रिसेप्टर एंड एंटीजेंस अब ये रिसेप्टर एंटीजेंस क्या चीजें हैं ये भी अभी इसी यूनिट के अंदर हम आगे चलकर डिस्कस करते हैं तो यूं आप देख लें कि ये ट्रांसपोर्टर्स एंजाइम्स रिसेप्टर और एंटीजेंस ऑल ऑफ देम आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ द प्रोटीन्स इनके अंदर भी इवन प्रोटीन पार्ट मौजूद होता है तो ये सारी प्रोटीन्स की डिफरेंट फॉर्म्स हैं जो अभी सेल मेम्ब्रेन के अंदर आपको दिखाई देंगी और हर एक से अलग अलग रोल परफॉर्म हो रहा है ये अभी हम डिटेल में इनको डिस्कस करते हैं अच्छा सेल मेम्ब्रेन का अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो सेल मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर के लिहाज से दो डिफरेंट मॉडल्स आमतौर पर पेश किए जाते हैं वन ऑफ इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिस इज कॉल्ड यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल एंड द अदर मॉडल इज कॉल्ड फ्लूड मोजेक मॉडल दिस इज रिलेटिवली ओल्ड कॉन्सेप्ट यूनिट मेमब्रेन मॉडल जिसके मुताबिक सेल मेमब्रेन एक सैंडविच टाइप का स्ट्रक्चर शो करती है और सैंडविच स्ट्रक्चर में जो आउटर लेयर है यानी अपर एंड लोअर लेयर दे कंसिस्ट ऑफ प्रोटीन और जबकि मिडल लेयर ये लिपिड बायो लेयर है तो इस तरह से अकॉर्डिंग टू दिस मॉडल लिपिड बायो ले सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स

आजकल हम जानते हैं कि सेल मेब्रेन का जो करेक्ट मॉडल है वो क्या है वो है फ्लूड मोजेक मॉडल ठीक है तो फ्लूड मोजेक मॉडल के मुताबिक सेल मेम्रेन बेसिकली कंसिस्ट ऑफ लिपिड बायोलेयर देखो जैसे इस इस मॉडल के अंदर लिपिड बायोलेयर का कॉन्सेप्ट है तो यहां पर भी लिपिड बायोलेयर का कॉन्सेप्ट है लेकिन डिफरेंस ये है कि यहां पर आपको जैसे बताया कि लिपिड बायोलेयर इज सैंडविच बिटवीन टू प्रोटीन लेयर्स जबकि यहां पर लिपिड बायलेयर इज नॉट सैंडविचड बिटवीन द प्रोटीन लेयर एक्चुअली प्रोटीन आर इम्बेडेड इन टू द लिपिड बायोलेयर मैट्रिक्स यानी यहां पर ऐसा है कि लिपिड बायोलेयर एक्ट एज अ फ्लू मैट्रिक्स और इस फ्लू मैट्रिक्स के अंदर प्रोटीन के बड़े बड़े ग्लोब्यूज इस तरह से आपको कुछ सरफेस के ऊपर फ्लोट करते हुए नजर आ रहे हैं और कुछ आ, इसके अंदर इम्बेडेड फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं जस्ट लाइक द आइस बर्ग फ्लोटिंग इन द सी ठीक है जैसे सी है उसके अंदर बहुत बड़े बड़े आइस बर्ग आप देखते हैं अगर आप एंटार्क्टिका वाले रीजन का सी ऑब्जर्व करें तो वहां पर आपको बड़े बड़े आइसबर्ग समंदर के अंदर इस तरह से फ्लोट करते हुए नजर आएंगे तो जस्ट लाइक दैट यहां पर ये प्रोटीन इस तरह से स्कैटर्ड दिखाई दे रहे हैं इन द फ्लू मैट्रिक्स ऑफ द लिपिड बायोर सो दिस इज द मॉडल कॉल्ड मोजेक मॉडल अच्छा तो इस फ्लूड मोजेक मॉडल को यूनिट यूनिटर मॉडल से अगर हम कंपेयर करें तो जो सिमिलैरिटी है वो लिपिड बायोलेयर है

सेल मेम्ब्रेन को यहाँ से सेंटर से इस तरह से बाइसेक्ट करते हैं तो क्या इसके ये टू हाफ सेमेट्रिकल होंगे तो आंसर इज नो दे विल बी ए सैमेट्रिकल वो क्यों वो इस वजह से कि ये जो आपको प्रोटीन्स की अरेंजमेंट दिखाई है ये वेरी करती है यानी ये प्रोटीन्स ऊपर कुछ और तरह से अरेंज होंगी नीचे कुछ और तरह से और इसके अलावा आप देख रहे हैं कि ये जो कार्बोहाइड्रेट की चेन्स हैं आर कंजुगेटेड विद लिपिड्स और कंजुगेटेड विद द प्रोटीन्स सो ये हमेशा सेल मेम्ब्रेन के एक्सटीरियर साइड पर मौजूद होंगे दिस इज एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस आप देख रहे हैं ये सेल की एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस है ये सेल मेम्ब्रेन की आउटर साइड है तो हमेशा आपको कार्बोहाइड्रेट्स कौन सी साइड में मिलेंगे आउटर साइड पर जबकि इनर साइड जो साइटोप्लाजम को फेस कर रही होती है वो साइड कार्बोहाइड्रेट कंटेन नहीं करती वहाँ पर आपको ये साइटोस्केलुटल फाइबर्स नजर आएंगे

अबाउट द अरेजमेंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स अच्छा यहाँ पर देखो समटाइम इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि अगर कोई चीज सेल मेम्ब्रेन से क्रॉस करती है तो सबसे पहले वो कौन से जोन से गुजरेगी जैसे अगर सपोज करो यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात हो रही है तो पहले हाइड्रोफिलिक जोन आएगा फिर हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफोबिक जोन यू यूज समझ लें कि ये पेयर है हाइड्रोफोबिक जोन का तो ये दो दफा भी ये रिपीट हो सकता है और उसके बाद फिर ये दोबारा हाइड्रोफिलिक जोन और इवन यहाँ पर भी अरेंजमेंट सेम है क्योंकि देखो ये जो फॉस्फोलिपिड्स हैं इनके हेड्स एक्चुअली हाइड्रोफिलिक इन नेचर होते हैं तो यहाँ से भी अगर इस फ्लूड मोजेक मॉडल के अकॉर्डिंग भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए कि वेन एनी थिंग क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सो विच विल बी द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिफरेंट जोन्स तो उसमें देखो पहला ये हाइड्रोफिलिक फिर बीच में हाइड्रोफोबिक जोन हाइड्रोफोबिक जोन फिर दोबारा से हाइड्रोफिलिक जोन या इवन अंदर से बाहर की तरफ अगर कोई चीज मूव करती है तो तब भी यही सीक्वेंस मिलेगा तो ये सीक्वेंस याद होना चाहिए सम टाइम एमसीक्यूज में ये पूछा जाता है इसके अलावा बाकी जो मैंने आपको कंपोनेंट्स बताए उसके हवाले से क्वेश्चन होंगे अच्छा इसमें अब ये जो डिफरेंट कंपोनेंट्स हमने देखे ना इन कंपोनेंट्स के इंडिविजुअल फंक्शन है मिसाल के तौर पर जो लिपिड पार्ट है फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन लिपिड्स तो लिपिड्स के अलग से कुछ खास फीचर्स हैं जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को खास प्रॉपर्टीज़ प्रोवाइड करते हैं जैसे आप देख रहे हैं कि लिपिड्स बेसिकली कंट्रोल्स द फ्लूडिटी ऑफ द मेम्ब्रेन ये पॉइंट आपने याद रखना है कि लिपिड का बेसिकली रोल क्या है ये मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी को मेंटेन करते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सबल है फ्लूडिटी से मतलब ये है कि जैसे अभी आपको बताया ना कि फ्लूड मोजेक मॉडल के मुताबिक लिपिड बायोर एक फ्लूड मेट्रिक्स है और प्रोटीन्स इसके अंदर है और ये फ्लूड मैट्रिक्स इसका फ्लूड नेचर ये रिस्पॉन्सिबल है इसकी सेमी परमीएबिलिटी के लिए यानी हम ये जो, जो कहते हैं ना कि सेल मेम्ब्रेन में से हर चीज इजीली क्रॉस नहीं करती है फ्यू थिंग्स कैन क्रॉस थ्रू द सेल मेम्ब्रेन एंड अदर कैन नॉट एंड देर फॉर द मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल तो एक्चुअली द सेमी परमिएबल नेचर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन इज बेस्ड अपॉन द फ्लूडिटी ऑफ द सेल मेम्ब्रेन अगर सेल मेम्ब्रेन की फ्लूडिटी डिस्टर्ब होगी तो सेमी परमिएबल नेचर अफेक्ट हो जाएगी कैसे अफेक्ट होगी अभी आगे, आगे आपको दिखाते हैं तो देखो ये जो फ्लूडिटी है इसकी मेंटेनेंस में लिपिड्स का क्या रोल है लिपिड्स किस तरह से फ्लूडिटी को कंट्रोल करते हैं तो एक्चुअली ये जो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल्स हैं इनके अंदर फैटी एसिड्स होते हैं यहाँ पर हम फॉस्फोलिपिड का स्ट्रक्चर भी देख लें देखो ये फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं इसका डिटेल स्ट्रक्चर हम अभी आगे नेक्स्ट यूनिट में बायो मॉलिक्यूल्स में पढ़ेंगे पर यहाँ पर आप देख रहे हैं कि फॉस्फोलिपिड में ये आपको फॉस्फेट ग्रुप नज़र आ रहा है दिस इज फॉस्फेट ग्रुप और फिर उसके बाद ये ग्लाइसरोल पार्ट है इसका फॉस्फेट के साथ यहाँ पर ये जो आर नज़र आ रहा है ये एक एडिशनल कंपाउंड प्रेजेंट होता है और इसके अलावा इस ग्लाइसरोल के साथ ये दो फैटी एसिड चेन्स प्रेजेंट है तो ये फैटी एसिड चेन्स इसमें आपको जैसे ये स्ट्रेट चेन अगर नजर आ रही है तो ये सैचूरेटेड फैटी एसिड होगा और जहाँ पर आपको ये चेन थोड़ी सीटेल्ट होती हुई नजर आ रही है तो ये एक्चुअली अनसेचूरेटेड फैटी एसिड होता है तो ये टेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की जो कि प्रॉपर्टीज थोड़ी सी डिफर करती हैं तो इस वजह से इन सैचुरेटेड और अनसेचुरेटेड फैटी एसिड की कंपोजिशन में चेंज के जरिए फ्लूडिटी कंट्रोल हो रही है जैसे आप देखिए यहां पर कि व्हेन द ऑफ फैटी एसिड इन बिकम ग्रेटर द लेयर बिकम्स मोर फ्लुड ठीक है दैट मेक्स द सेल मेम्ब्रेन मोर प्लायबल और फ्लेक्सिबल कौन से कौन से फैटी एसिड की बात हो रही है फैटी एसिड अगर ये ज्यादा हो जाए यानी जितने भी आप देख रहे हैं सेल मेम्ब्रेन में जितने भी फॉसोलीपिड्स हैं हर एक फॉसोलीपिड के बाद पास जो सेचरेट जो फैटी एसिड्स मौजूद है अगर वो सारे के सारे अनसेचुरेटेड फैटी एसिड हो जाए इनकी कंसनेशन ज्यादा हो जाए तो ऐसी सूरत में ये सेल मेम्ब्रेन मोर प्लाइएबल हो जाएगी या फ्लेक्सिबल हो जाएगी और मोर इन नेचर हो जाएगी और ऐसा कब होता है ऐसा असल में कोल्ड स्ट्रेस के दौरान होता है कोल्ड स्ट्रेस यानी जब जब भी कोल्ड स्ट्रेस मिल रहा होता है हमें स्पेशली प्लांट्स की अगर हम बात करें तो प्लांट्स अपने आप को अपने जो थर्मो रेगुलेशन है वो इसी तरह से कर रहे होते हैं कि ड्यूरिंग द कोल्ड स्ट्रेस उनकी सेल वॉल में उनकी सेल मेम्ब्रेन में मौजूद ये फॉसोलिड अपनी सेचूरेटेड फैटी एसिड्स को अनसेचुरेटेड बना लेते हैं सेचुरेटेड से अनसेचुरेटेड कैसे बनेंगे ये आगे हम बायोमोलिक्यूल्स में जाकर उसको डिटेल से देख लेंगे यानी किसी भी सैचूरेटेड फैटी एसिड से अगर डीहाइड्रोजिनेशन की जाए तो वो अनसेचूरेटेड बन सकता है ठीक है यहाँ पर आप ये ये बेशक टर्म याद रख लें बाय डीहाइड्रोजिनेशन यानी हाइड्रोजन रिमूव करके आप सेचूरेटेड को अनसेचूरेटेड बना सकते हैं इन दोनों में मजीद क्या डिफरेंस है ये बायो मॉलिक्यूल्स में मैंने जैसे आपको बताया कि वहाँ पर हम इसको डिटेल से पढ़ेंगे अभी मैं ज़्यादा अगर इसके अंदर चला जाऊँगा तो फिर वो हम असल टॉपिक से हट जाएंगे सिंपली आप ये याद रख लें कि सेचूरेटेड फैटी एसिड अनसेचुरेटेड फैटी एसिड में डिहाइड्रोजिनेशन के जरिए कन्वर्ट होते हैं और जब ये अनसेचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर ज्यादा हो जाता है तो ऐसी सूरत में ये मोर प्लाइए हो जाती है फ्लेक्सिबल हो जाती है एंड दिस अकर्स ड्यूरिंग द कोल्ड स्ट्रेस जब बहुत ज्यादा कोल्ड स्ट्रेस होगा तो उस वक्त इसको मोर फ्लेक्सिबल होने की जरूरत है क्योंकि ड्यू टू कोल्ड स्ट्रेस सेल मेम्ब्रेन के फ्रीज होने का चांस होता है और अगर ये फ्रीज हो जाए तो ऐसी सूरत में ये परफोरेट कर जाएगी यानी जैसे ये फ्रीज होंगे तो यहाँ पर ये कॉन्ट्रैक्ट कर जाएंगे और कॉन्ट्रैक्ट करने से यहाँ पर होल्स क्रिएट हो जाएंगे और होल्स के थ्रू फिर चीज़ें इजीली मूव कर जाएंगी तो इस तरह से वो जो सेमी परमेबिलिटी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी तो आपने याद रखना है ये पॉइंट इस तरह से कि जब भी कोल्ड स्ट्रेस होता है ये स्पेशली कोल्ड स्ट्रेस की बात हो रही है तो जब भी कोल्ड स्ट्रेस मिलेगा ऑर्गेनिज्म को तो ड्यूरिंग दैट कोल्ड स्ट्रेस उसकी सेल सेल्फेम्ब्रंस के अंदर एसिड की फैटिकेशन इंक्रीज हो जाएगी और उससे इफेक्ट क्या आएगा कि इट बिकम्स मोर प्लायबल और फ्लेक्सिबल इस तरह से ये मोर प्लायबल प्लायल फ्लेक्सिबल होकर सेमी नेचर को ने रखेगी और इसी तरह से आप देखिए जब वार्म स्ट्रेस मिलता है तो जब वार्म स्ट्रेस होगा तो फिर ऐसी सूरत में इसका अपोजिट इफेक्ट आएगा वार्म स्ट्रेस के अंदर ठीक है ड्यूरिंग वार्म स्ट्रेस क्या होगा कि सैचूरेटेड फैटी एसिड्स का नंबर इंक्रीज हो जाएगा और सैचुरेटेड फैटी एसिड का नंबर इंक्रीज होने से इट बिकम्स मोर रिजिड थोड़ी सी रिजिड हो जाएगी क्योंकि वार्म स्ट्रेस में ये ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने की कोशिश कर रही होती है इसके मेल्ट होने का खदशा होता है तो उसकी मेल्टिंग को रोकने के लिए सैचूरेटेड फैटी एसिड का नंबर इंक्रीज हो जाता है और इस तरह से सैचूरेटेड फैटी एसिड का नंबर ज़्यादा होने से ये आ, इसका जो फ्लूइड नेचर है वो मेंटेन रहेगी अच्छा इसके अलावा कोलेस्ट्रॉल आल्सो कंट्रीब्यूट इन द मेंटेनेंस ऑफ फ्लूइड नेचर कोलेस्ट्रॉल ये असल में स्टेबलाइज करता है फॉस्फोलिपिड्स को और इसके अंदर यूनिक प्रॉपर्टी पाई जाती है कि ये लो टेम्परेचर के ऊपर सेल मेम्ब्रेन को थोड़ा सा स्टेबलाइज उसको थोड़ा सा फ्लूइड बना देगा और हाई टेंपरेचर के ऊपर उसको थोड़ा स्टेबलाइज कर देगा यानी कोलेस्ट्रॉल के अंदर नेचुरली ये एबिलिटी है कि डिफरेंट टेम्परेचरस के अंदर उसकी नेचर डिफर कर रही होती है कोल्ड स्ट्रेस के अंदर जब चीज़ें फ्रीज हो रही होती हैं तो ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल हो जाता है और वार्म स्ट्रेस के अंदर जब चीज़ें मेल्ट होने की तरफ जा रही होती हैं तो ये थोड़ा स्टेबल हो जाता है तो इस तरह से ये कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस ये फ्लूड नेचर को मेंटेन करने में ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है और अभी मैंने जैसे आपको बताया था कि कोलेस्ट्रॉल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल एनिमल सॉरी कोलेस्ट्रॉल इज एबसेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल प्रोकैरियोटिक सेल में चूंकि कोलेस्ट्रॉल एबसेंट है तो इस वजह से प्रोकैरियोटिक मेम्ब्रेन ये यूकैरियोटिक मेम्ब्रेन के मुकाबले में ज्यादा ससेप्टेबल होगी क्योंकि जब भी कोई टेम्परेचर चेंज कोई प्रोकैरियोट फेस करते हैं तो ड्यू टू द लैक ऑफ कोलेस्ट्रॉल दे कैन नॉट विदस्टैंड तो ये कोलेस्ट्रॉल की प्रेजेंस है मेम्ब्रेन में जो इसको ज्यादा स्टेबल बना रही है इसके अलावा ओवरऑल लिपेड बायोलेयर ये सेल मेम्ब्रेन का बेसिक स्ट्रक्चर भी मेंटेन करते हैं क्योंकि बायोलेयर uh, जो लिपेड बायोलेयर से कंपोज है जिसके अंदर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं तो ये लिपिड से ही हासिल हो रहे हैं और इसके अलावा दे आल्सो रिस्ट्रिक्ट द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ द पोलर मॉलिक्यूल्स एंड आयंस जैसे भी मैंने आपको बताया था कि सेमी परमिएबल ये फ्लुड नेचर की वजह से मेंटेन है तो सेमी परमिएबल का मतलब है कि एंड पोलर मॉलिक्यूल्स कैन नॉट क्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इजीली बिकॉज ऑफ दिस लिपिड लेयर तो ये देखो ये लिपिड बायोलेयर इस तरह के मॉलिक्यूल्स की एंट्री को भी ये ब्लॉक कर रही है तो ये सारे लिपिड्स के फंक्शन हैं और इसके अलावा कुछ कॉन्जुकेटेड लिपिड्स जो होते हैं जैसे ग्लाइकोलिपिड्स दे वर्क एज सेल सरफेस मार्कर्स यानी उससे सेल्स की रिकग्निशन होती है ये आप देख रहे हैं ग्लाइकोलिपिड्स ये सेल सरफेस मार्कर के तौर तो पर एक्ट करते हैं और सेल सरफेस मार्कर्स के लिए एक और टर्म यूज की जाती है एंटीजन ठीक है एंटीजेंस यानी कहा जाता है तो दे ऑल्सो एक्ट एज एंटीजेंस इससे पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल्स रिकगनाइज हो रहे होते हैं कि ये हमारा लिवर सेल है ये हमारा ब्रेन सेल है ये हमारा फ्ला सेल है तो एवरी टाइप ऑफ सेल हैज स्पेसिफिक एंटीजेन्स एंड दोज एंटीजेन्स सम आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोलिपिड्स सम टाइम आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन बट सम ऑफ द एंटीजेन्स आर कंपोज्ड ऑफ ग्लाइकोलिपिड तो यहाँ पर भी लिपिड का रोल कंसीडर किया जाएगा तो ये सारे लिपिड्स के फंक्शंस आपको पॉइंट आउट किए हैं अच्छा उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो कोलेस्ट्रॉल की यहाँ पर अरेंजमेंट के हवाले से आपने याद रखना है कि कोलेस्ट्रॉल बेसिकली ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है तो कोलेस्ट्रॉल की अरेंजमेंट के हवाले से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं ये कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल आप देख रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल मॉलिक्यूल ये फॉसोलिपिड के दरम्यान ये स्कैटर्ड हैं यानी जैसे फॉसोलिपिड्स तो बिल्कुल एक सीक्वेंस के साथ अरेंज हैं फॉसोलिपिड्स की दो लेयर्स उसमें आप देख रहे हैं कि उनकी टेल्स एक दूसरे को फेस करती हैं और हेड सपोजिट साइड पर प्रेजेंट होते हैं लेकिन कोलेस्ट्रॉल ऐसे नहीं है कोलेस्ट्रोल आपको ये इस तरह से स्कैटर्ड फॉर्म में बिटवीन द फॉसोलिपिड मॉलिक्यूल्स मिलेंगे तो कोलेस्ट्रोल की अरेंजमेंट यहाँ पे आपको क्लियर होनी चाहिए नाउ फंक्शन ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन जिस तरह से हमने अभी ये लिपिड्स के फंक्शन देखे बिल्कुल इसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन में मौजूद प्रोटीन्स के भी कुछ स्पेसिफिक फंक्शन हैं और ये फंक्शंस कौन कौन से हैं मिसाल के तौर पर सम प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स एक्ट एज ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स

ये बेसिकली दो किस्म की प्रोटीन्स होती हैं सम ऑफ देम आर कॉल्ड चैनल्स एंड सम ऑफ देम आर कैरियर्स ठीक है दो तरह की ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होंगी और चैनल्स और कैरियर्स अब ये चैनल्स और कैरियर्स में क्या फर्क है देखो चैनल एक ऐसी ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है जिसके अंदर कोई इस तरह से टनल बना हुआ है टनल और इस टनल के थ्रू चीजें अक्रॉस मेम्ब्रेन मूव करती हैं इसको चैनल प्रोटीन कहा जाता है और दूसरी तरफ कैरियर प्रोटीन कैरियर प्रोटीन्स डोंट हैव टनल विद इन दैम एक्चुअली कैरियर प्रोटीन्स कैरी द मॉलिक्यूल फ्रॉम वन साइड टू अनदर यानी ये एक साइड से मॉलिक्यूल को कैच करती हैं और दूसरी साइड पर डिलीवर कर देती हैं या दूसरी साइड से ये कैच करती हैं और पहली साइड पर यूँ डिलीवर कर देंगी इस तरह से ये कैरियर प्रोटीन्स ये कैरी करती हैं और जबकि चैनल प्रोटीन्स ये अलाउ करती हैं मूवमेंट को देखो चैनल प्रोटीन्स की फर्दर आपको दो काइंड मिलेंगी चैनल प्रोटीन्स में एक काइंड आपको मिलेगी चैनल प्रोटीन की दैट इज नोन एज गेट गेटेड चैनल और दूसरी टाइप पंप पंपिंग चैनल अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है देखो गेट एक ऐसा चैनल है जो एक्चुअली हाई कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंट्रेशन मूवमेंट को अलाउ करता है थ्रू गेटेड चैनल मॉलिक्यूल्स कैन मूव फ्रॉम हाई कंसन टू लो कंसेंट्रेशन और इस तरह की जो मूवमेंट होती है This movement is called facilitated diffusion. This is called facilitated diffusion. Yani gates are actually responsible for facilitated diffusion. And they don't require any energy for their activity. Okay? Gates are non energy channels. Jabke pumps are energy channels. Pumps are actually responsible for the movement of molecules from low concentration to high concentration. Okay? Ye opposite direction, mein मूवमेंट को अलाउ कर रहे हैं और इस तरह की मूवमेंट को कहते हैं एक्टिव ट्रांसपोर्ट दिस इज कॉल्ड एक्टिव ट्रांसपोर्ट सो इट मीन चैनल फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट और इस तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट के लिए चूंकि एनर्जी भी चाहिए होती है सो दीज आर एनर्जी चैनल्स ये नॉन एनर्जी चैनल्स हैं ये एनर्जी चैनल्स हैं ओके आपने जैसे न्यूरोन uh, के अंदर सोडियम पोटाशियम पंप्स और सोडियम पोटाशियम गेट्स पड़े होंगे तो ये गेट्स और पंप्स इस तरह के चैनल प्रोटीन होती हैं, जिनके अंदर टनल प्रेजेंट होगा और उस टनल के थ्रू ये मूवमेंट अलाउ करेंगे अच्छा इनमें कुछ गेट्स जो होते हैं वो लाइगेंड डिपेंडेंट गेट्स होते हैं यानी ये गेट्स किसी लाइगेंड पर डिपेंड कर रहे होते हैं लाइगेंड का मतलब है कि कोई स्टिमुलस पर ये डिपेंड कर रहे होते हैं कोई स्टिमुलस इनको मिलता है और स्टिमुलस के रिस्पॉन्स में वो गेट ओपन हो जाता है या वो चैनल ओपन हो जाता है और उस चैनल के थ्रू फिर मूवमेंट अलाउ होती है और कुछ ये इस तरह के भी गेट्स होते हैं जो लाइग डिपेंडेंट नहीं होते वो ऑल द टाइम ओपन रहते हैं और उससे चीज़ें इजीली क्रॉस कर जाती हैं तो आगे चलकर जब हम न्यूरॉन्स को पढ़ेंगे वहाँ पर आपको ये लाइग डिपेंडेंट चैनल्स और जो नॉन लाइग डिपेंडेंट हैं वो उस तरह के चैनल्स के बारे में आपको आगे चल बताया जाएगा ज रेगुलेटेड चैनल भी कहा जाता है दीज आर ऑल्सो कॉल्ड वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल यानी इनको वर्क करने के लिए कोई स्पेसिफिक कंडीशन चाहिए होती है तो इस वजह से ये वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल हैं और जो नॉन लाइग इन डिपेंडेंट चैनल होते हैं दे आर नॉन वोल्टेज रेगुलेटेड चैनल्स अच्छा ऑन द अदर हैंड कैरियर कैरियर ऑलवेज परफॉर्म फैसिलिटेड डिफ्यूजन कैरियर्स ये इस तरह की एक्टिव ट्रांसपोर्ट परफॉर्म नहीं करते ये हमेशा हाई कंसर्नेशन से मॉलिक्यूल्स को मूव करवाएंगे आप जैसे ये देख रहे हैं इस वक्त इस डायग्राम में कि के इस कैरियर ने यहाँ से इस मॉलिक्यूल को कैच किया और उसके बाद फिर ये 180 डिग्री के एंगल पर ये रोटेट कर गया ठीक है और इस 180 डिग्री के एंगल पर रोटेट करने से क्या हुआ कि वो मॉलिक्यूल जो इसने यहाँ से कैच किया था उसको दूसरी साइड पर उसने डिलीवर कर दिया और इसी तरह से ये अंदर से अगर किसी मॉलिक्यूल को बाहर मूव करवाएगा तो तब भी वो मॉलिक्यूल जैसे ही इसके अंदर फिट होगा तो ये फिर दोबारा रोटेट कर जाएगा और मॉलिक्यूल को दूसरी साइड पर डिलीवर कर देगा तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्टर प्रोटीन्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर वर्क कर रही है अच्छा दूसरा मैंने ग्रुप अभी आपको बताया था प्लाज्मा मेम्ब्रेन प्रोटीन्स का कि कुछ प्रोटीन्स ऐसी हैं जो इन्जाइम के तौर पर एक्ट करती हैं सम ऑफ द प्रोटीन्स आर इम्बेडेड इन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड मेंोटीन्स वर्क एज एंजाइम और एंजाइम आप जानते हैं कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं दैट स्पीड ऑफ द बायोकेमिकल रिएक्शंस जैसे यहाँ पर इस तरह के एंजाइम की एक एग्जाम्पल आपके सामने यहाँ पे हम रखते हैं एडीनाइलेट साइक्लेज एक एंजाइम है एडीनाइलेट साइक्लेज तो दिस एडीनाइलेट साइक्लेज एक कन्वर्ट्स ए टी पी इन टू साइक् एम पी ए टी पी को ये साइक्लिक एम पी में कन्वर्ट करता है और ये साइक्लिक एम पी ये सेकेंड मैसेजर के तौर पर एक्ट करता है सेकेंड मैसेजर दिस एक्ट एकेंड मैसेंजर ये बात अभी आपको इतनी अच्छी समझ में नहीं आएगी आगे हम हारमोन्स पढ़ेंगे तो वहां पर आपको मोड ऑफ एक्शन ऑफ हारमोन्स में ये बात क्लियर होगी कि कुछ हार्मोन्स ऐसे होते हैं जो सेल सरफेस मेम्ब्रेन पर आकर अटैच करते हैं और उनके यहाँ पर अटैच करने से सीरीज ऑफ इवेंट यहाँ परफॉर्म होगा और रिजल्ट में ये सेकंड मैसेंजर रिलीज हो जाएगा और वो सेकंड मैसेंजर फिर आगे कम्युनिकेट करता है सेल में तो इस तरह से ये एडिनाइलेट साइक्लेस जो कि एक बेसिकली प्रोटीन है और ये एक एंजाइम के तौर पर एक्ट करने वाली प्रोटीन है ठीक है भाई तो उसके बाद फिर देखिए कुछ प्रोटीन ऐसी होती हैं विच एक्ट एज स्ट्रक्चरल प्रोटीन आप देख रहे हैं कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन में ही ये प्रोटीन इम्पेडेड है और ये प्रोटीन स्ट्रक्चरल प्रोटीन के तौर पर एक्ट कर रही है इसके साथ आप देख रहे हैं कि जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूड है वहां पर मौजूद कोई फाइबर इस प्रोटीन के साथ अटैच है और इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन के इनर साइड पर जो इंट्रा सेलुलर मैट्रिक्स होता है उसके फाइबर्स इसके साथ अटैच हैं तो इस तरह से ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर रही है प्रोटीन सो दीज आर स्ट्रक्चरल प्रोटीन एंड सम ऑफ द प्रोटीन विच एक्ट एज एंटीजेंस तो एंटीजेंस क्या होते हैं एंटीजेन्स एक्चुअली ये सेल टू सेल लिंक भी प्रोवाइड करते हैं एंड दे आल्सो प्रोवाइड रिकॉग्निशन टू अ स्पेसिफिक काइंड ऑफ सेल तो ये इस तरह की एक्टिविटी परफॉर्म कर रहे होते हैं देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेसिकली ये रिस्पॉन्सिबल है, है फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल्स मटेरियल्स की ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन के जरिए मटेरियल्स मूव करते हैं कोई भी मटेरियल जो सेल ने अक्रॉस द सेल मूव करना हो तो वो थ्रू प्लाज्मा मेम्ब्रेन ये मूव करवाता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड एंड फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड मटेरियल्स को मूव करवाने के लिए बेसिकली रिस्पॉन्सिबल होती है और इस तरह से मटेरियल्स की मूवमेंट के जरिए एक्चुअली सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट्स सेल्स इंट्रेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट क्योंकि सेल ने अपनी सर्वाइवल के लिए जो चीज भी एक्वायर करनी है वो अपने इन्वायरमेंट से एक्वायर करनी है और इन्वायरमेंट से इंटरैक्ट करने के लिए सेल मेम्ब्रेन मुख्तलिफ मटेरियल्स को एक्रॉस मूव करवाती है तो इस वजह से हम ये कह सकते हैं इसके फंक्शन में इस बात को हम इंक्लूड कर सकते हैं कि सेल मेम्ब्रेन इज एक्चुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रेगुलेशन ऑफ सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स इन्वायरमेंट तो अगर आपसे पूछा जाए कि सेल मेम्ब्रेन ये रेगुलेशन कैसे परफॉर्म करती है हाउ सेल मेम्ब्रेन

अब ये डिफरेंट वेज हो सकते हैं सेल इंट्रैक्शन को रेगुलेट करने के अपने इन्वायरमेंट के साथ उन डिफरेंट वेज को यहां पे एनलिस्ट किया हुआ है इसके हवाले से क्वेश्चन हो सकते हैं ये आपके पास बुक के अंदर भी चीजें एनलिस्ट की हुई होंगी यहां पर भी आपको ये चीजें मिल जाएंगी अब देखिए सबसे पहली चीज सेल मेम्ब्रेन रेगुलेट सेल्स इंटरेक्शन विद इट्स बाय न्यूट्रिएंट्स देखो सेल को अपनी सर्वाइवल के लिए डिफरेंट काइंड के न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड होंगे और वो न्यूट्रिएंट्स डेफिनेटली सेल अपने इमीडिएट न्यूट्रियलीट से एक्वायर करता है तो इस तरह से ये इन्वायरमेंट से एक्वायर करके सेल अपना इंट्रैक्शन इन्वायरमेंट के साथ रेगुलेट कर रहा है तो फर्स्ट फॉर्म जिसके जरिए सेल इंट्रेक्शन रेगुलेट हो रहा है विद इट्स इन्वायरमेंट वो है बाय ऑप्टेनिंग उसके बाद फिर देखिए सेकंड वे बाय एक्सक्रीटिंग वेस्ट सब्सटेंसेस सेल जब कोई न्यूट्रिएंट एक्वायर करता है तो वो सारे न्यूट्रिएंट सेल के अंदर यूटिलाइज नहीं हो जाते उनमें से बहुत सारे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो सेल में यूटिलाइजेशन के दौरान एज वेस्ट सब्सटेंसेस सेपरेट हो जाते हैं और फिर सेल उन वेस्ट सब्सटेंसेस को टाइम टू टाइम इलेमिनेट करता रहता है और वो वेस्ट सब्सटेंसिस अगेन इनवायरमेंट के अंदर ही रिलीज की जाएंगी तो इस तरह से उन वेस्ट सब्सटेंसेस को रिलीज करके उनको रिमूव करके तो सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ अपना इंट्रैक्शन रेगुलेट कर रहा है और बिल्कुल इसी तरह से एक और वे हो सकता है कि बाई सीक्रीटिंग यूजफुल सब्सटेंसेज सम सेल हैुलस इन ऑर्डर टू रेगुलेट इंट्रेक्शन विदमेंट और उन यूजफुल सब्सटेंसेस में जैसे आप जानते हैं कि कुछ सेल्स से कुछ एंजाइम सिक्रिएट हो रहे होते हैं जैसे हमारे डायजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो डाइजेस्टिव ग्लैंड के सेल्स हैं वो डायजेस्टिव एंजाइम सिक्रिएट करते हैं स्टमक कैविटी के अंदर या स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर तो इस तरह से एंजाइम्स का रिलीज होना या फिर इसके अलावा समटाइम कुछ दूसरे हार्मोन लाइक सिक्रीशन का रिलीज होना ये कुछ यूजफुल सब्सटेंसेज हैं जो सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ अपना इंट्रेक्शन रेगुलेट करने के लिए रिलीज करते हैं तो आप देख रहे हैं कि सेल डिफरेंट वेज के जरिए अपना इंट्रेक्शन रेगुलेट कर रहा है अपने इन्वायरमेंट के साथ बाय ऑप्टेनिंग बाय एक्सक्रीटिंग वेस्ट सब्सटेंसेस या बाय बायटिंग द यूजफुल सब्सटेंसेज और इसी तरह से मजीद वेज आप देखिए कि सेल समाइम जनरेट आईनी ग्रेडियंट इसशियल फॉर नर्वस एंड मस्क्यूलर एक्टिविटी

हो तो इस तरह आयनिक कंसनेशन को यू अक्रॉस द मेम्ब्रेन मेंटेन करना ये आयनिक ग्रेडियंट कहलाएगा तो बाय मेंटेनिंग और बाय जनरेटिंग आयनिक ग्रेडियंट न्यूरॉन्स इंपल्सिस जनरेट करते हैं और इसी तरह से मसल सेल्स के अंदर भी आइनिक ग्रेडियंट स्टैब्लिश होता है और इस आइनिक ग्रेडियंट के जरिए मसल्स अपनी एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के लिए भी स्पेसिफिक आइनिक ग्रेडियंट रिक्वायर्ड होता है ये बात हम आगे चलकर जब नर्वस एक्टिविटी और मस्क्यूलर एक्टिविटी पढ़ेंगे तो वहां पर इस बात को हम काफी डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे तो बहरहाल ये भी एक वे हो सकता है सेल्स का अपनी इन्वायरमेंट के साथ इंट्रैक्शन रेगुलेट करने के लिए और फिर इसी तरह से समटाइम सेल्स मेंटेन सुब पीएच एंड आईनीशन विद इन द सेल फॉर एंजाइमेटिक एक्टिविटी आप देखते हैं कि जितने भी एंजाइम्स हमारे सेल्स के अंदर वर्क करते हैं ऑल ऑफ देम रिक्वायर स्पेसिफिक पीएच फॉर देयर ऑप्टिमम एक्टिविटी और उस स्पेसिफिक पीएच को अटेन करने के लिए सम सेल्स हैव टू पंप आउट the hydrogen ions from the cell or sometimes cells have to acquire the hydrogen ions from outside the cell so that cells can regulate the ph for enzymatic activity to is tarah se enzymatic activity ke liye cells ko apni ph maintain karne ke liye hydrogen ions की movement करवानी होती है तो इस तरह से suitable pH cell maintain कर रहा होता है सो so, आप ये सारे डिफरेंट वेज याद रखेंगे इनके हवाले से एमसीक्यूज बन सकते हैं कि सेल अपने इन्वायरमेंट के साथ अपना इंट्रैक्शन रेगुलेट करने के लिए कौन कौन से मेथड्स यूज कर सकता है तो उन मेथड्स को हमने यहां पर एनलिस्ट किया हुआ है उसके बाद सेल के फंक्शन के हवाले से ही फर्दर हम एक्सटेंड करेंगे कि सेल मेम्ब्रेन सेल मेम्ब्रेन बेसिकली ये सेमी परमीएबल नेचर रखने वाली मेम्ब्रेन है तो सेल मेम्ब्रेन की ये जो सेमी परमिएबल नेचर है ये क्या डिस्क्राइब करती है तो सेमी परमिएबल नेचर का मतलब है कि इट अलाउ सम डिजॉल्व सब्सटेंसेस टू मूव अक्रॉस वाइल इट इनहिबिट्स अदर्स ये तमाम डिजॉल्व सब्सटेंसेस को इक्वली जाने नहीं देती बल्कि कुछ सब्सटेंसेस को ये अलाउ करेगी और कुछ सब्सटेंसेस को ये रोक लेगी मसलन कौन से ऐसे सब्सटेंसेस हैं जो इजीली मूव कर सकते हैं तो जो भी लिपिड सोलेबल सब्सटेंसेस होंगे वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से इजीली क्रॉस कर जाएंगे लेकिन जो लिपिड सोलबल सब्सटेंसेस नहीं होंगे जैसा कि आप ये देखिए कि आइंस वगैरह उनको मूव करने में डिफिकल्टी फेस करनी पड़ेगी लिपिड सोलबल सब्सटेंसेस के साथ साथ जो गैस मॉलिक्यूल होते हैं सच एज ऑक्सीजन इन कार्बन डाइऑक्साइड दे कैन ऑल्सो मूव प्लाजमा मेमब्रेन इसके अलावा वाटर भी जनरली मूव कर जाता है बींग न्यूट्रल चूंकि ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है इस वजह से ये मूव कर जाते हैं लेकिन समटाइम वाटर को मूव करवाने के लिए स्पेशल चैनल्स रिक्वायर्ड होते हैं इन द फॉर्म ऑफ एक्वापोरिंस आपनेफ्रॉन्स के अंदर देखा होगा कि समटाइम वाटर की एक्स्ट्रा रीअबॉर्बशन के लिए एक्वापोरिंस रिलीज होती हैं एपिथेलियल सेल्स में और उन एक्वापोरिन से वाटर ज्यादा रीअब्सॉर्ब करवाया जाता है तो वाटर की मूवमेंट कुछ चैनल्स के जरिए भी मुमकिन है और इसके अलावा वाटर फॉस्फोलिपिड के दरमियान जो माइक्रोस्पेसिस है वहां से भी ये मूव कर सकता है बींग अ स्मॉल मॉलिक्यूल और बींग अ स्मॉल और इसके साथ साथ ये न्यूट्रल होने की वजह से ये मूव कह जाते हैं लेकिन जो चार्ज पार्टिकल्स होते हैं चार्ज पार्टिकल्स जैसे कि आइंस तो ये चार्ज पार्टिकल्स ये मूव नहीं कर सकते इनको मूव करवाने के लिए स्पेशल गेट्स या चैनल्स रिक्वायर्ड होंगे और उन चैनल्स या गेट्स के जरिए इस तरह के आइन्स की मूवमेंट परफॉर्म होगी तो आपने इसमें देखा कि चूंकि सेल मेम्ब्रेन कुछ मॉलिक्यूल्स को अलाउ कर रही है और कुछ मॉलिक्यूल्स को रोक रही है तो इस वजह से, से सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का स्टेटस हासिल है अच्छा यहां पर आपने थोड़ा सा ये याद रख रहे हैं कि सेमी परमिएबल का हरगिज ये मतलब नहीं है जैसे आपसे अगर पूछा जाए कि जैसे कोई ये नेट लगी हुई होती है किसी विंडो के अंदर तो वो नेट आमतौर पर मॉस्किटो को रोकती है या फिर इसके अलावा कोई बड़े जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे मिसाल के तौर पर जैसे कोई हवा से कागज उड़ते हुए आ रहे हैं या इस तरह के कुछ और जो लेटर्स होंगे वो उस नेट से गुजर नहीं पाएंगे हाँ अलबत्ता जो एयर है वो उसमें से पास कर जाती है तो इस तरह से आप नेट के बारे में अगर सोचें या फिर जैसे ये सीव आपने किचन के अंदर देखा होगा कि चाय को छानने के लिए जो हम सीव यूज करते हैं चाय छलनी तो आप समझ रहे होंगे कि शायद वो चाय ये जो पत्ती के क्रिस्टल्स होते हैं उसको वो सीव ऊपर रोक लेती है तो इस वजह से शायद ये भी सेमी परमिएबल है तो आप याद रखिये कि ये जो नेट और सीव की मैंने एग्जाम्पल दी है दीज आर नॉट सेमी परमीएबल ये आप ध्यान में रखिए दीज आर नॉट सेमी परमीएबल व्हाई व्हाई दे आर नॉट सेमी परमीएबल हालांकि ये कुछ मॉलिक्यूल्स को ये दोनों चीजें रोक रही हैं तो हम इनको सेमी परमीएबल इस वजह से नहीं कहेंगे क्योंकि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स ने जो डिसॉल्वड सब्सटेंसेस है उनको नहीं रोका यानी जैसे चाय के अंदर जो का कलर मिक्स हो चुका होता है या फिर जो शुगर डिजॉल्व हो चुकी होती है उसको ये ये सीव नहीं रोक रही और इसी तरह से ये नेट एयर के अंदर जो गैसेस गैसेस हैं उन गैसे को ये नेट नहीं रोक रही तो इस वजह से हम इन दोनों स्ट्रक्चर्स को सेमी परमीएबल स्ट्रक्चर्स नहीं कंसिडर कर सकते दे आर फ्री परमिबल यानी सेमी परमिबल का असल कॉन्सेप्ट यह है कि वो स्ट्रक्चर जो डिजॉल्व सब्सटेंसेस में से कुछ को रोक ले और कुछ को जाने दे तो उसको आप सेमी परमिएबल कहेंगे जैसा कि सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज एक्चुअली अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन तो मेरे ख्याल में अब आपको सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का कंसेप्ट क्लियर हो गया अच्छा आखिरी चीज हम यहां पर प्लाज्मा मेम्ब्रेन के हवाले से डिस्कस करेंगे चूंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने अक्रॉस द सेल मटेरियल्स को मूव करवाना है तो मटेरियल्स की मूवमेंट के लिए जो सेलुलर प्रोसेसेस यूज होते हैं बाय द सेल मेम्ब्रेन उन प्रोसेसेस का आपको आइडिया होना चाहिए ये प्रोसेसेस वैसे आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हैं यहां पर इनको डिटेल से एक्सप्लेन नहीं करना लेकिन आपको कॉन्सेप्ट जरूर पता होना चाहिए जैसे कुछ चीजों को डिफ्यूजन के जरिए मूव करवाया जाता है जैसे आप देखिए ऑक्सीजन है या फिर कार्बन डाइऑक्साइड जो एल्व्यूलर सरफेस पर एक्सचेंज हो रही होती है बिटवीन एयर एंड ब्लड तो ये ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड बाय मीन ऑफ डिफ्यूजन मूव करें। बिल्कुल इसी तरह से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन जिसमें अगेन मॉलिक्यूल्स हायर कंसनट्रेशन टू लो कंसनेशन मूव करते हैं ये डिफ्यूजन भी हायर कंसेंट्रेशन टू लो कंसेंटेशन मूवमेंट थी और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन भी हायर कंसेंटेशन टू लोअर कंसनशन मूवमेंट है लेकिन फर्क सिर्फ इतना होगा कि अनलाइक सिंपल डिफ्यूजन यहां पर कुछ चैनल या कैरियर प्रोटीन्स फैसिलिटेट करेंगे डिफ्यूजन प्रोसेस को तो इस वजह से ये फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन कहलाती है बहरहाल ये दोनों नॉन एनर्जी मूवमेंट है इनमें एनर्जी खर्च नहीं होगी और इसी वजह से इनको पैसिव मूवमेंट्स कहा जाएगा तो पैसिव मूवमेंट्स में ना सिर्फ ये दो इंक्लूड होते हैं बल्कि ऑस्मोसिस इज आल्सो अ काइंड ऑफ पैसिव पैसिव मूवमेंट मूवमेंट इनको किस वजह से कह रहे बिकॉज आर नॉन एनर्जी मूवमेंट्स इनके लिए एनर्जी का एक्सपेंडिचर रिक्वायर्ड नहीं है इस वजह से इनको नॉन एनर्जी मूवमेंट्स कहा गया या इनको पैसिव मूवमेंट्स कहा गया है तो इसमें देखिए कि डिफ्यूजन और फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन से ऑस्मोसिस कैसे डिफरेंट है ऑस्मोसिस इज स्पेसिफिकली द मूवमेंट ऑफ वाटर और इसमें वाटर अगेन हायर कंसनेशन टू लो कंसनशन मूव करेगा थ्रू सेमी तो भी एक किसान का डिफ्यूजन होता है बट दिस इज समर्ट ऑफ स्पेसिफिक डिफ्यूजन विच इज ओनली स्पेसिफिक फॉर द वाटर मॉलिक्यूल तो यह तीनों दरअसल पेसिव टाइप के मूवमेंट है और इसके अलावा एक्टिव ट्रांसपोर्ट तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो कि इनर्जी डिपेंडेंट मूवमेंट है एक्टिव ट्रांसपोर्ट में मॉलिक्यूल्स हमेशा लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंटेशन मूव करते हैं और चूंकि लोअर कंसेंट्रेशन टू हायर कंसेंटेशन मूवमेंट हो रही है इस वजह से इसके लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगी इन द फॉर्म ऑफ एटीपी यानी एक्टिव ट्रांसपोर्ट इज एक्चुअली डिपेंडेड अपॉन द रेस्पेरेशन सेलुलर एक्सपेरेशन पर डिपेंडेंट प्रोसेस है अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मूवमेंट कौन सी सेलुलर मूवमेंट रेस्पिरेशन के ऊपर डिपेंडेंट है तो जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होंगी वो एक्सपेरेशन पर डिपेंडेंट होंगी एक्टिव ट्रांसपोर्ट में ना सिर्फ ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट बल्कि इसके अलावा ये जो आगे बल्क ट्रांसपोर्ट की आपको हेडिंग नजर आ रही है ये भी दरअसल एक्टिव टाइप की मूवमेंट है बिकॉज इट ऑल्सो रिक्वायर एनर्जी तो ये जितनी भी एनर्जी डिपेंडेंट मूवमेंट्स हैं ऑल ऑफ देम आर एक्चुअली एक्टिव मूवमेंट्स तो इसमें देखिए कैसे ट्रांसपोर्ट के में, तो रिलीज कर देगी इन बल्क क्वांटिटी तो जैसे ये सेल है तो सेल ये टाइम किसी चीज को इस तरह से अपने करीब करता है और उसके बाद फिर उस सब्सटेंस को ये सेल अपनी मेम्ब्रेन के जरिए इस तरह से एनगल्फ कर लेता है तो ये चीज़ इस तरह से इनगल्फ हो रही है और इसका जो रिवर्स प्रोसेस होगा रिवर्स प्रोसेस कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस अब ये देखिए जो एंडोसाइटोसिस है ये अगर किसी सॉलिड सब्सटेंस का ये एंडोसाइटोसिस हो रहा है तो आप इसे फैगोसाइटोसिस कहेंगे और अगर किसी लिक्विड के लिए ये एंडोसाइटोसिस परफॉर्म हो रहा है तो आप इसे पिनोसाइटोसिस कह सकते हैं तो बहरहाल ये इस तरह से

So that you could be notified about any new video lecture from Biology Guardian. And also, do not hesitate to ask any question regarding this lecture. My contacts are shown on the screen. Thank you once again.